हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू जुडिश्री आई एम श्रमी श्रीवास्तव और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर्ट नो फ्रॉम सेक्शन वन टू टू थर्टी एट आज की इस लंबी क्लास में हम कवर अप करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबके पास होनी चाहिए वो है आपकी बेर और साथ में एक वाटर बॉटल पेन पेंसिल सब साथ में लेके बैठो ठीक है तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे सारे इम्पोर्टेंट सेक्शन प्रिलिम्स में से कहा से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट इलेस्ट्रेशन और साथ में क्या इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं राइट सो प्लीज लेट मी नो इफ माय वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल एंड आई एम परफेक्टली विजिबल टू ऑल ऑफ यू वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग I'm perfectly audible to everyone. Just give me a thumbs up. Audible हूँ मैं सबको. Perfect visible हूँ. Perfect है, perfect है, perfect है. Good, 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 good. चलो, तो start करते हैं session से. ठीक है. देखो कुछ important हम पहले देखेंगे. कि important concepts देखेंगे. साथ में bearat को भी follow करते हुए जाएंगे. इस तरीके से हम अपना सारा पोर्शन कवर अप कर देंगे राइट सारे पोर्शन को जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर अप कर देंगे चलो सो अटेंशन इज एंड स्टार्ट विद क्लास थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच चलो स्टार्ट करते हैं देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है ये एप्लीकेबल होता है आपके पूरे इंडिया पे पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है और ये बात कहां पे दे रखी है सेक्शन नंबर वन में दे रखी है कि भाई इसका नाम क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन और यह एप्लीकेबल होता है पूरी इंडिया पे सिंपल सी बात है फोर्स में में कब आया ये कभी कभी आपसे एग्जामिनेशन पूछ लिया जाता है तो यह फोर्स में आया आपके फर्स्ट सेप्टेम्बर एटीन को ठीक है ये जो डेट होती है ना आपकी यहाँ पे 25 अप्रैल इस दिन इसको एसेंट मिली थी प्रेसिडेंट से बट यहां पे जो ये डेट है यह है आपकी इनफोर्समेंट डेट ये है आपकी इन्फोर्समेंट डेट ठीक है यह इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए कोई मुझे बताएगा कि सितंबर 1872 में और कौन सा एक्ट आया है एनी वन आउट ऑफ यू कैन टेल मी कि 1872 सितंबर में और कौन सा एक्ट आया है इज इट टीपीए कैन वी से टीपीए कैन वी से टीपीए इंडियन एविडेंस एक्ट इन दोनों में से कौन सा आया है जल्दी बताए इंडियन एविडेंस एक्ट आया है परफेक्ट 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 इंडियन एविडेंस एक्ट आया है इस ईयर में राइट तो ये एक बेसिक सी चीज जो सबसे पहले प्लेमरी सेक्शन में बताई गई और एक सेविंग क्लॉज भी दे दिया और सेविंग क्लॉज क्या कहता है सेविंग क्लॉज ने कहा देखो मैं जो मैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हूं किसी को भी अफेक्ट नहीं करता ठीक है मैं जो है इसके जो प्रोविजन है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ये किसी को भी अफेक्ट नहीं करेंगे नाउ कम टू दी कॉन्सेप्ट ठीक है कॉन्सेप्ट पे आते हैं एक बार हम सबसे पहले देखो प्रपोजल होता है प्रपोजल आप लिख भी सकते हो अपने साथ ठीक है लिख भी सकते हो अपने साथ ठीक है प्रपोजल और एक्सेप्टेंस प्रपोजल क्या होता है प्रपोजल मतलब कि आप कोई चीज कोई ऑफर दे रहे हो ठीक है आप एज अ पर्सन किसी को कोई ऑफर दे रहे हो कि भाई मैं अपनी जो ये घड़ी है या बेचना चाहती हूँ ठीक है मैं सो एंड सो प्राइस पे अपनी ये घड़ी बेचना चाहती हूँ आई एम प्रपोजिंग इट ठीक है मैं बेचना चाह रही हूँ उस चीज को राइट नो प्रपोजल और जब उस प्रपोजल पे एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो क्या हो जाता है प्रॉमिस हो जाता है वो क्या हो जाता है प्रॉमिस हो जाता है ठीक है सिंपल सी बात समझो यहां पे ये यह क्या कह रहा है कि जब प्रपोजल किया मैंने कि भाई मैं अपनी ये वाली वॉच जो है वो बेचना चाहती हूं एक हजार रुपए में ठीक है अब मैंने ये ऑफर किया कि आई एम विलिंग टू जस्ट सेल दिस वॉच इन जस्ट रूपीज वन थाउजेंड रुपीज यू सेडेड ठीक है यू सिग्निफाइज योर एसेंट आपने मुझे कहा हाँ मैं इसमें इंटरेस्टेड हूं मैं आपकी ये वॉच खरीदना चाहता हूं ठीक है अब द मोमेंट दिस हैपन जैसे ही प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हुआ तो वो क्या बन गया प्रोमिस बन गया वो प्रोमिस बन गया प्रॉमिस और साथ में जो एक हजार रुपए की वॉच दे रही हूं और आप रेडी हो एक हजार रुपए देने के लिए दैट इज व्हाट इज कंसिडरेशन दैट इज व्हाट इज कंसिडरेशन वी कैन से राइट तो आपका प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस और प्रॉमिस के साथ जब कंसंट्रेशन जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है एग्रीमेंट ये क्या हो जाता है एग्रीमेंट ठीक है सिंपल सी बात प्रॉमिस के साथ साथ जब मनी जो प्राइस है उस पर्टिकुलर आर्टिकल का वो जुड़ जाता है जब पैसे जो आप दे रहे हो जो जो भी आप कुछ भी बेच रहे हो उसमें आप कंसिड्रेशन ऐड कर देते हो मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है एक एग्रीमेंट हो जाता है एग्रीमेंट के साथ अगर अभी देखो अभी मैं सिर्फ एक सिंपल सा बेस बना रही हूं उसके बाद हम सारे सेक्शंस डिटेल में डिस्कस करेंगे डोंट वरी राइट अब एग्रीमेंट के साथ जैसे ही हमने सेक्शन टेन किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी ऐसी पढ़ लिया हो तो पता होगा कि टेन में जो है एसेंशियल्स दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट के राइट right? अब एसेंशियल्स जैसे ही एग्रीमेंट के साथ जोड़ दिए जाते हैं तो ये क्या बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट ये क्या बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट अब ये सारी बातें दे कहा रखी है प्रपोजल क्या होता है पार्टीज कहां है एक्सेप्टेंस पे बता रखा है कंसिडरेशन पे बता रखा है ये सारा आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज में बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइन है इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डिफाइंड है नाउ एक टेक्निक एक निंजा टेक्निक याद करने के सारे ए बी सी डी सब कुछ क्या है दी पी पी सी ए आर कार ठीक है और वी सी वीई वी ए अब ये क्या लिख दिया मैम आपने पी 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 कार है जो मैंने बना रखा है आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो ठीक है मैं सिर्फ सिंपल आपको बता रही हूं कि आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो ठीक है हाँ स्वप्निल आज ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम खत्म करेंगे हम ये प्रण लेकर आए हैं कि हम आज ही इसको खत्म करेंगे प्लीज लाइक सेशन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े और सेशन को देखें और कुछ पढ़ लें ठीक है चलो अब यहाँ पे पीपीपी क्या है पी से है आपका प्रॉमिस, ठीक है इस वाले पी से है आपका सी अगर आप से मैं आपको एक मिनट एक्ट से दिखाती हूं यहां पे देखो यहां पे आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज में पहला प, 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 पहली बात क्या हो रही है प्रपोजल की हो रही है ठीक है तो पहला आपका यहां पे क्या है यहां पे है प्रपोजल सॉरी प्रपोजल है यहां पे प्रपोजल प्रॉमिस पार्टीज सी से है आपका कंसिडरेशन और ये कौन से सेक्शन की बात हो रही है ये बात हो रही है सेक्शन टू का ये मूल मंत्र है ठीक है सी से है आपका कंसिडरेशन ए से है आपका एग्रीमेंट आर से है आपका रेसिपोकल प्रोमिस अभी ये सब क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे वी से पहले क्या है छोटा वर्ड सी से है आपका कॉन्ट्रैक्ट फिर इस वाले वी से है आपका वॉइडेबल और ए से है आपका अवॉइडेंस ऑफ वॉय कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो ये एक, एक शॉर्ट टेक्निक बताई है मैंने इस तरीके से आपको सारे क्लॉज याद हो जाएंगे टू ए में क्या दे रखा है प्रपोजल उसके बाद आपका प्रॉमिस फिर पार्टीज फिर कंसिडरेशन टू डी में दे रखा है ए से एग्रीमेंट हो गया आर से रेसिपल प्रॉमिस हो गया वी से हो गया आपका वॉइड उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद वॉयडेबल एंड देन उसके बाद आपका अवॉइडेंस ऑफ वॉयडेबल कॉन्ट्रैक्ट आई होप इट इज क्लियर एक बार क्लियर है एक बार क्लियर है ठीक है चलो अब ये चीज क्लियर हो गई नाउ अब देखो अब हम इसको एक एक करके यहां से पढ़ेंगे कहां से से बेयर एक्ट ठीक है अब पहले सेक्शन में, में देखा कि बताया भाई मेरा नाम क्या है मैं कहां पे लागू होता हूं तो मैं पूरे देश पे लागू होता हूं पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था बट आई अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी लागू होता है

मतलब उनको दिखाने में ऐसा लगेगा देखो इसके बेचारे का पहला कवर भी निकल गया है तो इस तरीके से आप अपनी बेराक में ही अंडरलाइन ला, कर सकते हैं राइट अब यहाँ पे क्या कहता है प्रपोजल के रिस्पेक्ट में देखो प्रपोजल होगा तो उसमें दो पर्सन रिक्वायर्ड है दो पर्सन रिक्वायर्ड है अकेले तो कोई ऑफर बनाएगा नहीं अपने लिए दो पर्सन का होना जरूरी है तो यहाँ पे इसलिए लिखा है ठीक है सिग्निफाइज का क्या मतलब होता है जब सिग्निफाइज का मतलब होता है कम्युनिकेट कम्युनिकेट जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को कम्युनिकेट करती है अपनी विलिंगनेस

दो पार्टीज होनी चाहिए आपकी ठीक है और एक पार्टी सिग्निफाई कर रही है कम्युनिकेट कर रही है दूसरी पार्टी को ताकि दूसरी पार्टी से वो एसेंट ले ले सके उस चीज को उसको हम क्या कह रहे हैं प्रपोजल कह रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं प्रपोजल कह रहे हैं राइट नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए सबसे पहले प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट होना चाहिए उसी पर्सन द्वारा जिसको प्रपोजल बनाया जा रहा है ठीक है, कि जो है, जो है वो आपका, जिसको बनाया जा रहा है वही उसको एक्सेप्ट करेगा ठीक है नाउ दूसरा क्या है प्रपोजल मस्ट बी विद इन दी नॉलेज ऑफ द अदर पर्सन अब ये कौन से लैंडमार्क केस में कहा गया ये कहा गया आपका लाल मैन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त अब इस पर्टिकुलर केस में क्या बताया कि पर्स जो प्रपोजल है

Harvey वे वर्सिज Harvey हार वे अब इस पर्टिकुलर केस में क्या कहा कि अगर आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन सप्लाई कर दी तो वो आपका प्रपोजल अमाउंट नहीं करेगा मेयर सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉट आ प्रपोजल तो ये कीवर्ड्स जो हैं वो आप ये ध्यान रखें ठीक है जो ये कीवर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रखना है नाउ एक चीज और देखो सेक्शन नाइन की अगर हम बात करें अभी सिर्फ कंसेप्ट समझो हम बेर एक्ट से भी सब कुछ कवरअप करेंगे ठीक है कंसेप्ट में क्या कहता है कि जो प्रपोजल है वो आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है अब एक्सप्रेस और इम्प्लाइड क्या होता है अगर मैं कोई चीज बता दू कह दू एक्सप्रेस कर दू बाय वर्ड्स तो दैट इज एक्सप्रेस और कुछ जो है सर्कमस्टांसेस से ही समझ में आ रहा है दैट मींस दैट इज इम्प्लाइड कि वो समझ में ही आ रहा है जैसे कि एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा ऑटो ऑटो करते हैं हम राइट ऑटो किया हमने कहा कि भैया वहां चलोगे सेक्टर ट्वेंटी नाइन चलोगे हाँ बोले यहाँ चलेंगे अब हम बैठ गए और उसने हमें ड्रॉप कर दिया ये इम्प्लाइड है कि ठीक है उसने हमने उसको कहा कि भैया चलोगे उसने कितने पैसे बताए पैसे बता दिए और हम चले गए अब यहाँ पे इम्प्लाइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट राइट अब आजकल के जमाने में जहां पे टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है वहां पे अब पोस्टल का जमाना तो रहा नहीं ठीक है अब चिट्ठियां पहले जाया करती थी अब तो कोई चिट्ठी नहीं लिखता अब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या तो गूगल मीट पे हो जाते हैं या कॉल कन्वर्सेशन हो जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में भी क्या रूल्स है वो भी हम समझेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त वाला केस इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपका यहाँ पे हार्वे वर्सेस फैसे वाला केस इंपॉर्टेंट है जहां पे उन्होंने बताया कि मेयर सप्लाई आपने तो वो आपका प्रपोजल अमाउंट नहीं करेगा जो भी जिसको भी आप प्रपोजल बना रहे हो उसको उसकी नॉलेज में वो होना चाहिए उसको पता होना चाहिए ठीक है उसको कम्युनिकेट भी होना चाहिए वो भी हम देखेंगे ठीक है ना अगर एक बार प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो फिर वो खत्म हो जाता है वंस द प्रपोजल इज रिजेक्टेड इट कम टू एन एंड अब ये वाली बात कौन से केस में कही गई तो ये बात आपकी कही गई हेज वर्सेज वेज में हाइड वर्सेज वेज में फ्रेंच में ठीक है जो भी कह लो ठीक है ये है इसका केस ठीक तो यहां पे क्या कहा गया कि एक बार अगर प्रपोजल आपका रिजेक्ट हो गया तो फिर उसके बाद आप जो है आ, वो फिर खत्म हो जाता है फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता एक बार आपने प्रपोज किया प्रपोजल किया प्रपोज मतलब ऑफर किया और वो आपका रिजेक्ट हो गया तो फिर उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती अच्छा ऑफर और प्रपोजल अगेन दोनों वर्ड्स है ना इंग्लिश में हम उसको ऑफर कहते हैं ठीक है इंग्लिश में हम उसको ऑफर इंग्लिश लॉ में हम उसको ऑफर कहते हैं इंडियन लॉ में उसको हम प्रपोजल कहते हैं ठीक है ऑफर और प्रपोजल से कंफ्यूज नहीं होना है क्लियर नाउ काउंटर प्रपोजल होता है क्रॉस प्रपोजल होते हैं काउंटर ऑफर क्रॉस ऑफर होते हैं देखो काउंटर ऑफर क्या होता है काउंटर ऑफर बेसिकली क्या होता है कि जहां पे मैंने कुछ कहा कि मैंने कहा कि मैं आ, ये पांच आर्टिकल्स आपको इतने रुपए में दूंगी ठीक है उसने कहा सामने पर्सन ने कहा कि जो है नहीं मैं तीन आर्टिकल इतने पैसों में काउंटर तो कर दिया उसको नहीं कि मैं तीन आर्टिकल इतने रुपए में मिलूंगा तो जो पहला वाला प्रपोजल है वो अब वो वाला सामने वाला पर्सन जो हो गया वो प्रपोजल ऑफर बना रहा है ठीक है वो ऑफर बना रहा है ठीक है तो काउंटर ऑफर क्या होता है कि जहां से मैंने एक ऑफर दिया और आपने उसके अलावा एक और उसके ऊपर कोई एक और ऑफर दे दिया कि नहीं मैं तीन इतने रुपए में खरीदूंगा तो ये काउंटर ऑफर हो गया तो पहले वाला ऑफर जो है वो खत्म हो जाता है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता क्योंकि मैंने क्या बताया कि वंस ऑफर इज रिजेक्टेड इट कम्स टू एन एंड ये आपका इस वाले पर्टिकुलर केस में कहा गया था ठीक है अब बहुत टाइप के ऑफर्स होते हैं स्पेसिफिक ऑफर्स और आपके जर्रल ऑफर अभी जनरल समझ लो फिर हम डिटेल में भी समझेंगे ठीक है स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर

ऑल गुड ऑल गोइंग गुड बहुत जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा कम कम ऑन ऑन टेल मी ऑल गोइंग गुड आपस में बात करने में मस्त है एकदम मगन है कम कम ऑन ऑन टेल मी गिव मी थम्स अप कम ऑन यस चलो गुड 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 ठीक है तो एक होता है जनरल ऑफर और एक होता है आपका स्पेसिफिक ऑफर जो वर्ल्ड एट लार्ज और स्पेसिफिक पर्सन के लिए होता है वो आपका होता है स्पेसिफिक ऑफर ठीक है जनरल ऑफर में बेसिकली क्या है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफर की एक्सेप्ट कर लिए परफॉर्म कर लिए है तो हम उसको क्या मानते हैं एक्सेप्टेंस मानते हैं हम उसको क्या मानते हैं एक्सेप्टेंस मानते हैं क्लियर अब एक चीज देखो ये तो हुआ आपका ऑफर के बारे में राइट right? अब यहां पे नेक्स्ट है आपका बी क्लॉज दैट इज योर नेक्स्ट वेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देर टू द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड अब यही पे मैंने आपको बताया था यहां पर मैंने आपको शो किया था एक सेकेंड यहाँ पे मैंने आपको शो किया था कि जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है प्रोमिस हो जाता है और प्रोमिस के साथ जब कंसिडरेशन जुड़ जाती है तो वो एक एग्रीमेंट हो जाता है और एग्रीमेंट के साथ जब सेक्शन टेन की एसेंशियल फुलफिल हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है Now, यहां पे यही बात बताई जा रही है 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 बी में द पर्सन जिसको जिसको प्रपोजल दिया ऑफर किया वो अपनी एसेंट दे देता है द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड ऐसा माना जाता है कि जो वो ऑफर बनाया था जो प्रपोजल किया था वो एक्सेप्ट हो गया एंड अ प्रपोजल वेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रोमिस और प्रपोजल जैसे ही एक्सेप्ट हो जाता है आपका प्रॉमिस बन जाता है और इसी प्रॉमिस के साथ जब जोड़ देते हैं तो एग्रीमेंट बन जाता है और के साथ जब हम तो हो रही है कहता है, proposal, जो दे रहा है जो प्रपोजल बना रहा है उसको हम क्या कहेंगे प्रोमिसर उसको हम क्या कहेंगे प्रोमिसर जिसको ये ऑफर दिया जा रहा है ठीक है उसको हम क्या कहेंगे पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर उसको हम क्या कहेंगे प्रॉमिसी कहेंगे देखो प्रपोजल और ऑफर जो है आपका ये सेम ही वर्ड है इंग्लिश में ऑफर कहते हैं और हमारे इंडियन लॉ में प्रपोजल कहते हैं क्लियर नाउ 2D अब 2D एक खुद में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए जो बात करता है आपके कंसिडरेशन की 2D इस सेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट uh, एक्ट का 2D डी इंपॉर्टेंट है टू डी कौन से एक्ट का इंपॉर्टेंट है सेक्शन टू डी सीआरपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट है कोई मुझे बता सकता है कि टू डी सीआरपीसी का क्या कहता है टू डी सीआरपीसी का क्या कहता है एनी वन कैन कम ऑन कम ऑन कम एनी वन कैन टेल टू डी सीआरपीसी का किसकी बात करता है देखो टू डी सीआरपीसी का बात करता है कंप्लेंट की कंप्लेन की टू डी वहां पर भी इंपॉर्टेंट है और टू डी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ये यह बात कर रहा है कंसिडरेशन की अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल डेफिनेशन है बट बहुत ईजी है इसको हम सेक्शन ट्वेंटी फाइव जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे साथ में ठीक है नाउ कम टू डेफिनेशन दैट इज टू ई एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस

promises which forms the consideration or the part of the consideration for each other is called reciprocal promise ठीक है okay? reciprocal reciprocal promises हो गए मतलब uh, उसके promise हो गया उसका reciprocal promise बना दिया that is what is reciprocal promises promises which forms the consideration or part of the consideration for each other एक दूसरे के लिए उसको हम क्या कह रहे हैं reciprocal promise कह रहे हैं now जो agreement आपका law द्वारा enforce नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं वाइड कहते हैं जो जो लॉ की नजरों में इन दी आई ऑफ लॉ यू कैन से उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है वो नल है वो जीरो है तो उसको हम क्या कहेंगे वॉइड कहेंगे, ठीक है? तो जो एग्रीमेंट आपके उसको हम क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं बट एग्रीमेंट के साथ साथ सेक्शन टेन की जो दस कंडीशन है वो फुलफिल होना जरूरी है वो भी हम अभी आगे देखेंगे नाउ e में कहता है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल बाय ऑप्शन ऑफ दॉडेबल कॉन्ट्रैक्ट अब वॉयेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं देखो वॉयडेबल कॉन्ट्रेक्ट वो कॉन्ट्रेक्ट होते हैं जहां पे एक पार्टी अगर चाहे तो वो जो है उसको कोर्ट से जाके

आपका एक्सेप्टेंस तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है सेक्शन थ्री में क्या बताया कि कम्युनिकेशन हो रिवोकेशन हो या फिर प्रपोजल हो यह सब होगा कैसे एक्ट और ओमेशन से होगा एक्ट और ओमेशन से होगा और ये बात कहां लिखी हुई है इसी में लिखी हुई है दैट द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल और यू कैन से द रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल

इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है ठीक है कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होता है ये कहता है कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स नॉलेज ऑफ पर्सन टू होम इट इज मेड अगर मैं अपनी वॉच बेचना चाहती हूं तो जब तक ये uh, मेरी कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी जब वो सामने वाले पर्सन के नॉलेज में आ जाएगी दैट येस आई एम विलिंग टू सेल दिस पर्टिकुलर वॉच राइट तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है कम्युनिकेशन एज टू दी हम सिर्फ प्रपोजल की बात कर रहे हैं कि प्रपोजल की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी जब जिसको आप प्रपोजल बना रहे हो जिसको आप ऑफर दे रहे हो उसके नॉलेज में वो आ जाए तो वो कंप्लीट हो जाती है सिंपल -सिंपल उसके नॉलेज में आएगी तो वो कम्युनिकेशन प्रपोजल की कंप्लीट हो जाएगी नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस अब एक्सेप्टेंस में क्या कहता है प्रपोजल प्रपोजल कौन है जो ऑफर दे रहा है उसके अगेंस्ट कब कंप्लीट होगी

ऑफर जो प्रपोजल है वो कब कंप्लीट होगा जैसे ही बी के नॉलेज में आ जाएगा ऑफर के बारे में तो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट तो जैसे ही बी के नॉलेज में प्रपोजल के बारे में आ जाएगा जो ए ने दिया है उसके नॉलेज में आ जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रपोजल विल बी कंप्लीट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्टेंस तो ये कहता है कि एज अगेंस्ट दी प्रपोजल प्रपोजल कौन है ए इसके अगेंस्ट एक्सेप्टेंस मानी जाएगी कि कंप्लीट हो गई है जैसे ही ये चिट्ठी जो है ये चिट्ठी जो है जाके डाक में दे देगा ठीक है जैसे ही इसने चिट्ठी के डाक में डाल दी जैसे वो पोस्ट ऑफिस होता है ना उसमें दे दी और इसके कंट्रोल के बाहर हो गई एक्सेप्टर के कंट्रोल के बाहर हो गई वो ट्रांसमिशन में आ गई तो इसके लिए एज अगेंस्ट द प्रपोजर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई नाउ इसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी जब वो चिट्ठी ए को पहुंच जाएगी जब वो चिट्ठी जो है ए के पास पहुंच जाएगी तो वो उसके लिए इसके लिए कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्टेंस नाउ एज अगेन्सेप्ट एक्सेप्टर एक्सेप्टर के लिए कब कंप्लीट होगा व्हेन इट कम्स टू द द नॉलेज ऑफ प्रपोजर जब ए के पास वो चिट्ठी रिसीव हो जाएगी तो कम्युनिकेशन वैलिड माना जाएगा ठीक है सिंपल सी बात आई होप इट इज क्लियर एग्जांपल से समझ में आया होगा थोड़ा सा ट्रिकी यहां पे लैंग्वेज यूज कर रखी है थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्या कहता है एक बार दोबारा समझो ए और बी है ए ने अपना प्रपोजल दिया बी को ठीक है तो प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा जब बी के नॉलेज में आ जाएगा परफेक्ट कूल कूल इनफ ठीक है नाउ एक्सेप्ट कब कंप्लीट होगा तो एक्सेप्टेंस ए के लिए तब कंप्लीट होगा जैसे ही बी जो है चिट्ठी को डाल देगा पोस्ट ऑफिस में और उसके कंट्रोल के बाहर हो गया वो चिट्ठी डल गई या वो कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में है वो ए के पास वो जा रही है ए के पास ठीक है और बी के लिए एक्सेप्ट कम्युनिकेशन कब होगी कंप्लीट एक्सेप्टेंस की तब जब ए के नॉलेज में आ जाएगा मतलब जब उसको चिट्ठी मिल जाएगी I hope it is clear. Now moving ahead, communication of revocation is complete. अब revocation के लिए क्या कहता है Revocation का simple सा funda है Simple सा funda है क्या कहता है That as against the person who makes it, जो revoke कर रहा है उसके against सुनो वो चिट्ठी चली गई रिवोकेशन की उसके कंट्रोल के बाहर है तो उसकी तरफ से हो जाएगा रिवोकेशन एंड एज अगेंस्ट दर्सन टू होम इट इज मेड जिसको रिवोकेशन करी गई है तब जब उसके नॉलेज में आ जाएगा जब उसके नॉलेज में आ जाएगा तो ये आपका रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा रिवोकेशन कंप्लीट माना जाएगा क्लियर नाउ इसको एक एग्जाम्पल से भी समझो अब इसका जो इलेस्ट्रेशन है पे, वो सिंपल सिंपल सा दे रखा है, क्या कहता है ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल हिज हाउस बी एट सर्टेन प्राइस अब ए ने बी को बोला कि मैं अपना घर बेचेगा मैं अपना घर बेचेगा राइट अब यहां पे ए ने लेटर भेजा चिट्ठी भेजी एक चिट्ठी कैसे बनाते हैं चिट्ठी ऐसे बना देते हैं ठीक है चलो चिट्ठी बन गई चलो ये चिट्ठी जो है इसने भेजी ए ने भेजी बी को और इस चिट्ठी में क्या लिखा कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं ए प्रपोजेस बाय लेटर टू टू सेल अ अ हाउस बी एट सर्टेन प्राइस कोई एक्स अमाउंट के लिए मैं घर भेजना चाहता हूँ उसने चिट्ठी में लिख के बी को भेज दिया नाउ नाउट कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल प्रपोजल का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा जब बी को उसकी नॉलेज हो जाएगी कि हाँ वो बेच रहा है अपना घर एक्स प्राइस पे ठीक है तो जैसे ही लेटर मिल जाएगा बी को उसकी नॉलेज में आ जाएगा वैसे ही प्रपोजल का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा क्लियर नाउ अब यहां पे कहता है कि बी एक्सेप्ट्स एस एस प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट अब इसने क्या किया चिट्ठी पढ़ी इसको लगा हां सही मस्त घर मिल रहा है सस्ते पैसों में मिल रहा है मेरे को घर लेने का है ठीक है इसने अपनी एक्सेप्टेंस भेजी फिर चिट्ठी से

बी के लिए कब कंप्लीट होगा जब चिट्ठी ए भाई साहब को मिल जाएगी ठीक है अगेंस्ट बी इसके लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी When the, uh, the letter is received by a. जब लेटर जो है ए को मिल जाएगा वो चिट्ठी खोल के पढ़ लेगा उसके एक्सेप्टेंस तब बी के लिए उसके एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी ठीक है तो कंप्लीट हो जाएगी इज इट क्लियर गिव मी थम्स ऑन गिव मी आम्स अपन हरियब थम्स थम्स अप, अप, चलो ठीक है अब रिवोकेशन का भी यहां पर सेम दे रखा है ए रिवोक्स फॉर हिज प्रपोजल बाय टेलीग्राम अब मान लो ए ने जो ऑफर किया उसको रिवोक करना है उसको वापस लेना है उस पर्टिकुलर केस में क्या कहता है द रिवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट होगा टेलीग्राम इज डिस्पैच जैसे ही टेलीग्राम डिस्पैच हो गया उसके लिए कम्प्लीट हो गया इट इज कम्प्लीट अगेंस्ट बी जब इसको रिसीव हो जाएगा तो रिवोकेशन के लिए कम्प्लीट हो जाएगा यहाँ तो प्रपोजल को रिवोक कर रहा है ए जब बी अपने एक्सेप्टेंस को रिवोव करेगा टेलीग्राम द्वारा तो बी का रिवोकेशन कब कंप्लीट होगा एज अगेंस्ट बी उसके खिलाफ जब टेलीग्राम जो है डिस्पैच हो जाएगा और जैसे ही ए को नॉलेज हो जाएगी उसकी जैसे उसके पास पहुंच जाएगा ए के पास तो वो कम्प्लीट हो जाएगा एज अगेंस्ट ए

एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन से पहले आप कभी भी रिवोक कर सकते हो एज अगेंस्ट प्रपोजर अगेंस्ट प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स उसको एक्सेप्टेंस मिलने से पहले आप रिवोकेशन उसको बता अगेंस्ट दी एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स ठीक है उसके बाद नहीं होगा हो आपको वहां पर बताया नाउ इसमें कुछ रूल है आपका ठीक है और वो रूल इस तरीके से अब इस रूल को समझो अब एक तो होता है आपका पोस्टल रूल पोस्टल रूल एक होता है आपका टेलीफोनिक रूल टेलीफोनिक रूल ठीक है अब टेलीफोनिक रूल में कहाँ पे कब सुना जाएगा कब होगा वो कैसे फंक्शन करता है मतलब कैसे माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हुआ है कैसे माना जाएगा ऑफर वैलिड कंप्लीट हुआ है या नहीं उसको समझो ना और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है ठीक है अब हम बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल पहले हम पोस्टल रूल की बात कर रहे हैं दैट इज नॉन इंस्टेनियस मतलब वो इंस्टेंट नहीं है फोन पे क्या होता है इंस्टेंट होता है मैंने कहा कि हेलो मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है आपने कहा हाँ बताओ कितने की बेचोगी उन्होंने कहा मैंने कह दिया कि दस लाख में बेचूंगी उन्होंने कहा ठीक है डन तो ये तो इंस्टेंट हो गया ऑन फोन हो गया तो फोन पे कब एक्सेप्ट माना जाएगा ये इंपॉर्टेंट है राइट तो पहले हम पोस्टल रूल समझेंगे और फिर हम समझेंगे आपका टेलीग्राम का रूल नाउ फॉर एग्जाम्पल ए जो है ये दिल्ली में है ठीक है बी जो है ये आ, आपका उड़ीसा में है ठीक है ये दिल्ली में है ये ओडिशा में है ठीक है ए आपका दिल्ली में रह रहा है बी ओडिशा में रह रहा है अब ये हो रहा है चिट्ठी द्वारा ये जा रहा है पोस्ट चिट्ठी द्वारा उसमें अब किस तरीके से होगा अब ए लो प्रपोज ए सेंड्स प्रपोजल ऑन सिक्स ट्वेंटी थ्री ठीक है इस डेट को भेजा इस डेट को भेजा ठीक है अब बी ने रिसीव किया रिसीव किया प्रपोजल आपका ठीक ए ने छह तारीख को भेजा चिट्ठी से और बी को वो चिट्ठी आठ तारीख को मिल गई अब यहां ने लेटर सेंड किया लेटर एक्सेप्टेंस का ठीक है वो उसने भेजा दस तारीख को दो दिन बाद ही उसने कहा हाँ मुझे मंजूर है आपका ऑफर उसने एक्सेप्टेंस का लेटर जो है दो दिन बाद पोस्ट कर दिया बी ने यहां ए को पोस्ट कर दिया दिल्ली उड़ीसा से ठीक है ए ने रिसीव किया रिसीव किया लेटर एक्सेप्टेंस का किस तारीख को 12 2023 को दो दिन दो दिन के गैप में मिल गया ठीक है लेटर मिल गया उस टाइम बहुत तेज फैसिलिटी थी ठीक है अब यहां पे कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा अब यहां पे प्रपोजर कौन है ए प्रपोजर और यहां पे ये यह है एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है ठीक है बी को उसने प्रपोजल ऑफर भेजा बी ने एक्सेप्ट किया बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर ए को सेंड किया अब कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोज़ल, कैन टेल मी कि कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगा इसके डेट के हिसाब से कम ऑन टेल मी कब कंप्लीट होगा आपका कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल प्रपोजल का कब कम्युनिकेशन कब माना जाएगा एनी वन एनी वन एनी वन एनी वन आउट ऑफ यू कैन टेल मी कम ऑन आई टेल दरी नाइस अंजलि आठ तारीख को जब बी को वो लेटर मिल गया वेरी नाइस अंजलि वेरी नाइस स्वप्निल क्यूटी फूडी वेरी नाइस वेरी नाइस ठीक है नाउ ए कैन रिवोक द प्रपोजल बिफोर ए अगर चाहे अगर उसको ए को रिवोक करना है तो वो कितने दिन से पहले रिवोक कर सकता है अगर ए को रिवोक करना है तो वो कितने टाइम से कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल आठ को हो गया वेरी नाइस परफेक्ट नाउ अगर मान लो उसको रिवोक करना है तो वो कितने टाइम पर रिवोक कर सकता है अपना ऑफर किस डेट तक रिवोक कर सकता है बी के एक्सेप्टेंस लेटर को भेजने से पहले बिफोर टेन रिवोकेशन प्रपोजल का कब हो सकता है दस तारीख से पहले बिफोर तारीख Isn't it? Isn't it से पहले वो रिवोक कर सकता है अगर अगर अपना रिवोक करना चाहे, ठीक है? हम communication of acceptance की बात करें, तो यहां पे के के लिए, A के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं कब कंप्लीट होगी 10 थारिक, दस तारीख दस तारीख को आपके दस तेईस को कम्युनिकेशन एज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए कब होगी दस तारीख को होगी राइट right? और बी के रिस्पेक्ट में कब कंप्लीट होगी आपकी बारह तारीख को जब उसका लेटर आ, रिसीव हो जाएगा बारह तारीख को ठीक है तो ये है आपका इसके रिस्पेक्ट में आ, जो नॉन पोस्टल रूल है जो रिवोकेशन एक्सेप्टेंस और ऑफर की बात करता है कि कब कंप्लीट होगी नाउ दिस इज अ एग्जांपल विच I can explain with you the entire concept, ठीक है Now अगर हम बात करें telephoneic rule की ठीक है Telephoneic rule की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो A मान लो अगर proposer है और B acceptor है ये proposer है और ये acceptor है ठीक है अब इस particular case में phone पे बात हो रही है ठीक है Phone पे बात हो रही है तो communication of proposal, proposal का communication कैसे होगा जब B सुन लेगा वेन बी हेयर कब कंप्लीट होगा ए की तरफ से प्रपोजल कब कंप्लीट माना जाएगा बी को बी के लिए जब बी उसको फोन पे क्लियरली सुन लेगा ठीक है जब क्लियरली सुन लेगा तब उसका मान लिया जाएगा एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगा ठीक है जब ए ठीक से सुन लेगा कि बी ने कह दिया है हा मुझे मंजूर है हा मुझे आपका ऑफर मंजूर है तो जब ए सुन लेगा वेन ए हेयर तो कम्युनिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा सिंपल सिंपल सी बात है अब मैं अगर पूछूं कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा और प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पोस्टल रूल में भी क्या रहेगा एनी वन प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसमें रहेगा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपका टेलीफोन के रिस्पेक्ट में रहेगा दिल्ली और यहां पे पोस्टल के रिस्पेक्ट में रहेगा क्या उड़ीसा उड़ीसा पोस्टल रूल में आपका उड़ीसा रहेगा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर और यहां पे क्या रहेगा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली रहेगा आई होप इट इज क्लियर आई होप इट इज क्लियर राइट नाउ मूविंग अहेड विद नेक्स्ट सेक्शन नाउ दैट इज सेक्शन नंबर सिक्स रिवोकेशन कैसे होता है इसका एक शॉर्ट फॉर्म है दैट इज एनसीएलडी एन n c l d that is by notice of revocation okay by lapse of time or by failure of the acceptor to fulfill the condition precedent okay n l c d n l c d n l c d एल से लैप्स ऑफ टाइम है कंडीशन प्रेसिडेंट है आपका और बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर अगर मान लो प्रपोजर मर जाता है या फिर इनसेन हो जाता है इफ द द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस अगर उसकी नॉलेज में आता है एक्सेप्ट करने से पहले तो यहां पे इसकी शॉर्ट की है दैट इज एन एल सी डी एन एल सी डी से आप इसके क्लॉजेस याद कर सकते हो क्लियर नाउ आगे देखो नेक्स्ट इज योर सेक्शन नंबर सेवन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सल्यूट अब यहां पर जो सेक्शन सेवन है अब क्या कहता है पहलाइड ठीक है दूसरे में बता रखा है कि मैनर मैनर क्या होगा वॉट विल बी दैनर ऑफ एक्सेप्टेंस अब यहां बताता है दैट इट बी एक्सप्रेस इन समूजल और यू कैन से रीजनेबल मैनर अनलेस दी प्रपोजल प्रिस्क्राइब इन विच इट टू बी एक्से होगा अदरवाइज क्या होगा यूजल और रीजनेबल मैनर में किया जाएगा नाउ इफ दपोजल प्रिस्क्राइब अ मैनर इन विच इट हैजू बी एक्से अगर मान लो प्रपोजल ने बताया कि इस तरीके से ही एक्सेप्ट किया जाएगा एंड देंस इज नॉट मेड इन सच मैनर और उस एक्सेप्टेंस उस तरीके से नहीं करी गई जिस तरीके से प्रपोजल ने बताया था दी प्रपोज़र में विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकटेड टू हिम दैट हिस्स प्रपोजल शैल बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइड मैनर एंड नॉट अदरवाइज बट इफ ही फेल्स टू डू सो ही एक्सेप्टेंस ठीक है तो बेसिकली पे मैनर कह रहा है कि बता रखा है तो उसी बैनर में होगा और अगर नहीं बता रखा है तो उस पर्टिकुलर केस में यूजुअल और रीजनल मैं, रीजनेबल मैनर में एक्सेप्टेंस करी जाएगी बता रखा है प्रपोजल ने तो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से उसने स्पेसिफाई कर रखा है कि भाई एक्सेप्टेंस इस तरीके से करी जाएगी नहीं बता रखा है तो रीजनल जो भी यूजल और रीजनेबल मैनर होगा उसमें करी करी जाएगी

दिल्ली क्यों अच्छा इस वाले रूल में आप पूछ रहे हो इसमें दिल्ली प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहां से फोन किया था ठीक है अच्छा मैंने यहां बताया नहीं आपको ओके okay. यहां पे ये दिल्ली है जहां से कॉल करी थी यहां पे ये उड़ीसा है यहां पे ये उड़ीसा है ठीक है तो टेलीफोनिक में जहां से उसने कॉल करी जहां से उसने ऑफर बनाया दैट इज विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी दी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है दैट विल बी दी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्लियर इज इट क्लियर अब क्लियर हो गया ये चलो आगे देखो अब आगे कहता है कि अगर आपने कंडीशन भी परफॉर्म कर ली तो कंडीशन परफॉर्म कर ली मान लो आपने तो आपने अगर ऑफर की कंडीशन परफॉर्म कर ली तो वो आपका एक्सेप्टेंस माना जाता है ठीक है नो प्रॉमिस जो है वो आपका एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है मैं पहले आपको क्लियर uh, कर चुकी हूँ ये चीज सेक्शन नाइन में बता रखा है इन सो फार एस दी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस प्रोमिस एक्सप्रेस अगर वो बता रखा है इन वर्ड्स तो वो एक्सप्रेस है और अगर नहीं बता रखा है तो वो आप जो है के हिसाब से इंप्लाइड भी समझ सकते हो उसको इंप्लाइड भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो राइट सो इन सो इन सो फार एस प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ एनी प्रोमिस में किया गया है इट इज सेट टू बी एक्सप्रेस इन सो फार एस प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज में नहीं है तो ओके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सेक्शन टेन सेक्शन टेन एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब क्या कहता है यहां ट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट कौन से एग्रीमेंट को आप कॉन्ट्रैक्ट कहोगेमेंट uh, हो, तो हो जाता है और एग्रीमेंट के साथ जैसे ही सेक्शन टेन की एसेंशियल जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो ये सेक्शन टेन की एसेंशियल क्या है सिंपल बता रखा है आर कॉन्ट्रैक्ट ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ पहला क्या हो गया फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज़ कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट उनका कॉम्पिटेंट होना भी जरूरी है फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड आर नॉट डिस्कालीफाइड और यू कैन से डिक्लेयर्ड वॉइड आर नॉट डिस्क्वालीफाइड और डिक्लेयर्ड वॉइड राइट अब यहां पे कॉम्पिटेंट पार्टीज होना जरूरी है पहला ठीक है दूसरा कहता है आपका कि वो वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए तीसरा कहता है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए लॉफुल कंसीडरेशन होना चाहिए और एक्सप्रेस तरीके से फ्री कंसेंट होनी चाहिए ठीक है फ्री कंसेंट कॉम्पिटेंट पार्टीज लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन और साथ में नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड उसको एक्सप्रेसली आपने डिक्लेयर नहीं कर रखा हो वॉइड वो आपके क्या है एसेंशियल uh, आपके कॉन्ट्रैक्ट के ठीक है नॉ नथिंग इन शैल कंटेन

नी सेक्शन किसी सेक्शन में उसको वर्ड डिक्लेयर ना कर रखा हो एक्सप्रेसली वर्ड डिक्लेयर ना कर रखा हो राइट नाउ हुर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कॉम्पिटेंट होगा वो होगा जिसकी एज जो है मेजोरिटी होगी एटीन प्लस एटीन प्लस ठीक है जो मेजर होगा ठीक है हु इज ऑफ साउंड माइंड साउंड माइंड होना जरूरी है एंड नॉट डिस्कालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट और किसी भी लॉ द्वारा वो डिस्कालीफाइड नहीं होना चाहिए वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ठीक है तो उस पर्सन को क्या कहोगे वो पर्सन आपका कॉम्पिटेंट है ये सेक्शन नंबर इलेवन में आपका दे रखा है ठीक है नाउ सेक्शन नंबर ट्वेल्व क्या कहता है साउंड पर्सन व्हाट इज साउंड पर्सन साउंड पर्सन कौन है कॉन्ट्रैक्टिंग के पर्पस के लिए अब यहाँ पे कभी कभी लुनाटिक्स भी होते हैं ना जो या जो पर्सन uh, होते हैं जिनको कुछ कुछ इंटरवल्स पे लुनासी के अटैक्स आते हैं राइट लुनाटिक अटैक्स आते हैं राइट तो यहाँ पे कह रहा है कि जिस इंटरवल पे नहीं आते और अगर उस टाइम पे वो कैपेबल है समझने के लिए और रैशनल जजमेंट देने के लिए तो उसको आप क्या कहोगे उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ठीक है सिंपल सी बात बताई कि साउंड पर्सन के लिए अगर मान लो उसको अटैक्स भी आते हैं तो उस इंटरवल पे जिस टाइम पे वो समझ पा रहा है कि उससे क्या पूछा जा रहा है और रैशनल आंसर दे पा रहा है लॉजिकल आंसर दे पा रहा है तो आप उसको क्या कहोगे साउंड uh, पर्सन कहोगे और वो कॉन्ट्रैक्ट उस टाइम पे कर सकता है राइट नाउ अ पर्सन इज सेट टू बी अ साउंड माइंड फॉर दर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम वेन ही मेक जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो कैपेबल है समझने के लिए और एक रैशनल जजमेंट लेने के लिए उस चीज पे तो आप उसको क्या कहोगे कि वो पर्सन जो है साउंड माइंड है अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड वो यूजुअली बट कुछ कुछ टाइम के लिए कुछ इंटरवल्स पर तो उस पर्टिकुलर टाइम में हीउंड माइंड तो जब वो अनसाउंड माइंड पे रहेगा जिस इंटरवल पर उसको के आएंगे उस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं

कंसेंट उसकी वैलिड कंसेंट है अब यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कंसेंट के केस में आपका जो चीज सुपर इंपॉर्टेंट है दैट मैक्सिम uh, वो है आपकी कंसेंसिस एड एडम एडम ठीक है अब यहां पे क्या कहता है कि सेम थिंग इन सेम सेंस दोनों जो है बट अगर मान लो कोजन से अनड्यू इन्फ्लुएंस से या फिर मिस्टेक से मिसरिप्रेजेंटेशन uh, से अगर कंसेंट चेंज करी गई है तो फिर वो आपकी वैलिड कंसेंट नहीं मानी जाती अगर इन सब चीजों से अफेक्टेड है कंसेंट तो वो आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती और फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी जब वो इन सारी चीजों से अफेक्टेड नहीं रहेगी अफेक्टेड नहीं रहेगी राइट right? नाउ यहां पे क्या देखो 14 में बता रखा है आपका फ्री कंसेंट फ्री कंसेंट में कहता है अ कंसेंट इज सेट टू बी फ्री वेन इट इज नॉट कॉज बाय कोअर्जन जब वो कोअर्जन से कॉज नहीं होती सेक्शन 15 में अंड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में फ्रॉड से सेक्शन 17 में मिसरेप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में और मिस्टेक ऑफ और 22 वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी राइट right? तो अगर आपकी कंसेंट इन सारी में से किसी भी चीज से अफेक्टेड है तो उस पर्टिकुलर केस में आपका कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है अगर इन सब चीजों से अफेक्टेड हो तो राइट नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कोअर्जन

और या फिर आपको कोई धमका रहा है कोई आपको अफेक्ट uh, करना चाह रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी डिटेन कर रहा है अनलॉफुली डिटेन कर रहा है ठीक है कोर्स कर रहा है आपको किसी भी तरीके से इससे फर्क नहीं पड़ता कि जहां पे कोर्जन हुआ है वहां पे आईपीसी आपकी इनफोर्स है या फिर नहीं ये एक्सप्लेनेशन में आपको क्लियरली कह रखा है ठीक है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाउ अंडियो इन्फ्लुएंस अब देखो अंडियो इन्फ्लुएंस का जो ये पूरा कंसेप्ट है ना दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दी मेन्स एग्जामिनेशन ऑल्सो ज इम्पॉर्टेंट फॉर दी मेन्स बहुत क्लासिक एग्जाम्पल्स है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को डोमिनेटिंग प्लेस पे रहता है जैसे मैं मुझे कोई डोमिनेट कर रहा है मेरी विल को मेरे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कोई डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे भी सेम सेम वर्ड लिखे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट इज सेट टू बी इन्फ्लुस्ड बाई अंड कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में अंडूएंस का इस्तेमाल हुआ है वेयर

Uh, अपने सारे जो भी लोग उनको फॉलोवर्स है उनको बोला कि आप मुझे अपना एक घर गिफ्ट कर दो और आपको आप तो सीधे uh, क्या कहते हैं यू विल गो डायरेक्टली इन हेवन और आपके सारे पाप धुल जाएंगे इस तरीके से राइट तो यहाँ पे अगर उसने कहा कि मुझे घर गिफ्ट कर दो अब यहाँ पे जो ये गुरु है वो चेले के ऊपर डोमिनेंस रख रहा है ठीक है उसकी विल पे डोमिनेंस है उसकी पूरे कंट्रोल में है और ये आपस में फ्यूडिशरी रिलेशनशिप में है ट्रस्ट बिल्ड है इनका आपस में इनका ट्रस्ट बिल्ड है अभी रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से और एक पार्टी दूसरे पार्टी को डोमिनेंस करने की उसमें है यकीन है यकीन उसको ट्रस्ट है वो गुरु है वो उसका, वो उसका उसका अपना गुरु गुरु मानता है है उसको पूरा ट्रस्ट फैक्टर वहां पे पे अब यहाँ पे अगर मान लो नजायज फायदा उठाए वो कह रहा है कि घर दे दो और यू विल गो टू हेवन या यू विल तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे या तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा या तुम्हें बहुत पैसे आने लगेंगे इस तरीके का कोई भी डिमांड करता है अनफेयर एडवांटेज लेता है दैट मीन दैट इज अंडर

अप्लाई सॉरी बैंक में अप्लाई किया लोन के लिए एट मार्केट में पैसों की कमी थी मेक एक्सेप्ट अब यहां पे उसने क्या कहा कि मैं तभी दूंगा जब मैं लेकिन उसके लिए बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊंगा ए ने एक्से कर लिया लोन सिस्टम पे नॉट दिस ट्रांजेक्शन इज एन ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड दैक्ट इज बाई इन्फ्लुएंस अब यहां पे क्यों कह रहा है कि अंडियो इन्फ्लुएंस नहीं है बिकॉज यहां पे नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में किया उसने अगर मान लो कोई प्राइजेस चेंज कर गया हायर इंटरेस्ट पे दिया तो उसने एक्सेप्ट किए वो टर्म्स तो वो आपका अंडियो इन्फ्लुएंस में नहीं आएगा ठीक है वो अंडियो इंफ्लुएंस में आपका नहीं आएगा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस पाएगा यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है अगेन प्रिलियम्स के लिए ये वाला जो रिलिस्टेशन है वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लियर नाउ अगर मान लो कि इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं ए ए हैविंग एन एडवांस मनी टू हिज सन बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी जब वो छोटा था अपॉन बी कमिंग टू द एज ऑपटेन्स बाय मिस यूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस अ बॉन्ड फ्रॉम बी फॉर अ ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ द एडवांस ए एम्प्लॉयज एंड ड्यू इन्फ्लुएंस अब देखो यहाँ पे नॉट ओनली दिस अगर आप इसके इलस्ट्रेशन uh, को ये साथ में सॉरी ये ए बी सी देखोगे क्लॉज टू देखो एक बार

ठीक है मेरी मैनेजर उनको मैं उनके अंडर काम कर रही हूं यहां पे राइट तो ही इज इन डोमिनेंस पोजिशन वो डोमिनेटिंग पोजिशन में है मेरे साथ राइट नाउ या फिर जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी पर्सन के साथ मेंटल कैपेसिटी टेम्परेरी और परमानेंटली अफेक्टेड उसकी मेंटल कैपेसिटी जो है अफेक्टेड है किसकी वजह से आइदर बाय द रीजन ऑफ एज एज की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से या फिर मेंटली या बॉडीली इंजरीज या डिस्ट्रेस की वजह से राइट right? तो उससे तब आप उसकी आप ये कह सकते हो कि आप उसकी विल uh, को डोमिनेंस डोमिनेट uh, uh, कर सकते हो राइट नाउ वेन एवर अ पर्सन इन द पोजिशन टू डोमिनेट दिल ऑफ अनादर एंटर्स इन टू एन एग्रीमेंट विद हिम एंड द ट्रांजेक्शन ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट ऑन द एविडेंस एड्यूस टू बी अनकॉन्शिएबल द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एंड इन ड्यूस बायफ्लुंसन ठीक है ये कहता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा

ऑफिस एजेंट और टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सजेशन एज टू दी फैक्ट जो सही नहीं है सजेशन विच ही नोज डेट की वो सच नहीं है ठीक है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट जान के कोई बात को छुपाना ठीक है बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट उसको पता है उसको नॉलेज है लेकिन जानबूझ के वो कोई चीज छुपा रहा है कंसील कर रहा है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट ठीक है और एक प्रॉमिस आपने किया आपको पता है आपकी इंटेंशन आपकी नियत नहीं है उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने की एंड एक्ट अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव या रिसीव करने की इंटेंशन है प्रॉपर प्रॉपर आपको फ्रॉड ही कमेंट करना है पूछ लिया जाता है ना अगर इसके इलेस्ट्रेशन देखो आप तो यहां पे देखो क्या कहता है ए सेल्स बाई ऑप्शन टू बी अर्स विच ए नोस टू बी अन ए बी को एक हॉर्स बेच रहा है ठीक है एक हॉर्स बेच रहा है यहां पे ए को पता है कि जो ये हॉर्स है ये अनसाउंड है ये अनसाउंड माइंड का है ठीक है ये अनसाउंड माइंड का है राइट उस पर्टिकुलर केस में ए जो है कुछ नहीं कहता बी को कि घोड़े के बारे में घोड़े के वो घोड़ा साउंड है या फिर नहीं साउंड है उसके रिस्पेक्ट में ए जो है कुछ भी नहीं कहता है बी से नाउ दिस इज नॉट फ्रॉड अब बी ने पूछा नहीं ए ने बताया नहीं तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि कर दिया, right? अब दूसरा एग्जाम्पल देखो बी डॉटर है बी इज एज डॉटर एंड हैज कम ऑफ एज द रिलेशन ऑफ वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल बी दूफ दॉर्स इज अनसाउंड ठीक है अब यहाँ पे उसकी ड्यूटी होती है बताने के लिए कि अगर उसका जो हॉर्स है वो अनसाउंड उसके बारे में उसको बताना पड़ेगा यहाँ पे राइट नाउ नॉट ओनली दिस यहाँ पे अगेन इफ यू डो नॉट डिनाई अब ये स्टेटमेंट देखो बी कहता है ए से कि इफ यू डो नॉट डिनाई आईम दर्ट दॉर्स इज साउंड अगर तुम तो मना नहीं करोगे तो ये मैं मानूंगा कि हॉर्स जो है वो साउंड माइंड का है ठीक है नाउ ए सेज नथिंग अब ए ने यहाँ पे कुछ नहीं बोला साइलेंस अमाउंट ठीक है एकदम साइलेंस अमाउंट टू स्पीच होता है पर राइट इसमें एक्सप्लेनेशन में दे रखा है यहाँ पे अब ए ने कुछ नहीं बोला नाउ ए साइलेंस इज इक्वेल टू स्पीच ऐसा माना जाएगा जैसे उसने कहा कि अगर तुम मना नहीं करोगे तो मैं क्या मानूंगा मैं मानूंगा कि हॉर्स जो है वो साउंड है ठीक है वो बोल सकता है अब साउंड है मतलब ही कैन एटलीस्ट मेक सम सम नॉइज साउंड राइट नाउ यहाँ पे ए ने कुछ भी नहीं बोला ठीक है तो ए ने मना नहीं किया अगर ये मना करता तो वो कुछ समझता अब यहाँ पे उसने कहा कि अगर तुम तो मना नहीं करोगे तो मैं क्या मानूंगा कि वो जो है साउंड है हॉर्स साउंड है अब यहाँ पे ए कुछ नहीं बोला था हॉर्स जो है साउंड है ठीक है तो बेसिकली ये जो रजिस्ट्रेशन है आपका सी वाला ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए क्लियर नाउ मूविंग अड मिसरेप्रेजेंटेशन अगेन मिसरेप्रेजेंटेशन हो गया आपका कि जहां पे आप कुछ भी रिप्रेजेंट uh, uh, कर रहे हो ठीक है सामने वाले को, मैनर नॉट वॉरंटेड बाय द इन्फॉर्मेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग इट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू दो ही बिलीव इट टू बी ट्रू राइट या फिर कोई ब्रीच ऑफ अ ड्यूटी विच विदाउट एन इंटेंट टू रिसीव गेन एन एडवांटेज पर्सन

आप मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले को क्लियर नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन अगेन सेक्शन 19 वॉइडिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट फ्री कंसेंट ये कहता है कि अगर मान लो आपने कंसेंट ऑप्टेन करी है किस चीज से अगर एग्रीमेंट में आपने कंसेंट ली है कोवर्जन से फ्रॉड से या फिर मिसरेप्रेजेंटेशन से तो वो एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल एट दी पार्टीज तो यहां पे ऑप्शन है पार्टी के पास कि वो कोर्ट से जाके उसको कैंसिल करा सकता है वो कोर्ट से जाके उसको कैंसिल करा सकता है ठीक है नो, जिसकी कंसेंट आपने ली है इन सारी चीजों से या तो फिर आपने कोर्जन से ली है या फिर फ्रॉड से ली है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन अगर आपने सामने वाले की कंसेंट ली है तो जिसकी कंसेंट ली है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो कोर्ट से जाके उसको कैंसिल करा सकता है राइट right? नाउ अगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन एक बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि मान लो आपने जांच पड़ताल करी थी ठीक है आपने पूरा डिस्कवर किया था आपने जाके सब कुछ पता कराया था तो फिर वो आपका वॉयडेबल नहीं होता है फिर आपकी वॉयडेबल वो नहीं होता है अब यहां पे इसका इलेस्ट्रेशन देखो इलेस्ट्रेशन में यहां पे देखो ए इलेस्ट्रेशन देखो ए इंटेंडिंग टू तो डिसीव बी ए की इंटेंशन क्या है कि वो फ्रॉड करेगा बी के साथ फॉल्सली रिप्रेजेंट हिम कि उसके पास फाइव हंड्रेड ऑफ इंडिको है जो है 500 सौ जो है ऑप्शन ऑफ बी क्योंकि बी की कंसेंट जो है फ्रॉड करके ऑप्टेन करी है उसने कहा पांच सौ मेरे यहाँ इंडको उग जाते हैं ठीक है और ऐसा है नहीं असली में नहीं है ऐसा नहीं है बस उसको डिसीव करने के लिए उसके साथ फ्रॉड कमिट करने के लिए यहाँ पे उसने जो है बी से कहा कि तुम मेरी फैक्ट्री खरीद लो फैक्ट्री उसने खरीद ली अब यहाँ पे ये यह है एट ऑप्शन ऑफ बी दी दिस इज पर्टिकुलरली एट बीज ऑप्शन ऑफ बी राइट नाउ नेक्स्ट ए लीड्स बी इन ऑनेस्टली टू बिलीव दैट फाइव हंड्रेड मॉर्स ऑफ इंडिको आर मेड एनुअली एट एज फैक्ट्री नाउ अब यहाँ पे बी ने खुद से एग्जामिन किया एक्सेप्शन आ गया जो ये बी है ये आपका एक्सेप्शन का इलेस्ट्रेशन uh, है ठीक है अब यहाँ पे क्या कहता है कि बी ने एग्जामिन किया The accounts of factory. उसने जाके सबको जांच पड़ताल करी कि फैक्ट्री में कितना इंड उगता है क्या होता है वो सारी चीजें उसने एग्जामिन करी जाके ठीक है विच शोज दैट ओनली 400 हंड्रेड उगते हैं ठीक है so, चार 400 उगते हैं उसने डिस्कवरी करी ठीक है नाउ आफ्टर दिस बी बाई सी फैक्ट्री नाउ दी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवॉइडेबल अब जो है कॉन्ट्रैक्ट आपका अवॉइडेबल नहीं होगा अब वो आपका नहीं होगा हाई वैशाली हाई बोलो तारा रा ठीक है हाई चलो पढ़ लो एक बार फटाफट ठीक है अब यहां पे तब नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि यहां पे उसने बी ने खुद से जाके एग्जामिन किया उस पर्टिकुलर केस में आपका वॉयेबल नहीं होगा तो अगर मान लो सेक्शन 19 ने क्या बताया सेक्शन 19 ने बताया कि अगर आपकी कंसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड या फिर कोअर्जन से ली गई है तो जिसके भी कंसेंट में ये इस सब इससे इन सारी वजहों से कंसेंट ऑप्टेन करी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है होता है उस पर्सन के पास ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट से जाके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा ले नाउ पहले यहां पर था बट उसको हटा दिया गया एटीन uh, नाइनटी में और नया सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया दैट इज सेक्शन नाइनटीन ए जो बात करता है पावर टू कॉन्ट्रैक्ट सेटिस इंड्यूस बायू इन्फ्लुएंस ठीक है अब इन्फ्लुएंस के केस में क्या कहता है है कि जहां पे भी कोई कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय इंड्यू इन्फ्लुएंस इंड्यू इन्फ्लुएंस अगर कंसेंट ली गई है द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वॉयडेबल उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉयडेबल करा सकते हो एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज जिसकी कंसेंट जो है इंड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई है

ए एक मनी लेंडर है ठीक है उसने जो है सौ रुपए दिए बी को एक एग्रीकल्चरिस्ट है एंड बाय इन्फ्लुएंस इंड्यूस बी टू एग्जीक्यूट एग्रीकल और डोमिनेट करके उसकी विल को उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लिया दो सौ रुपए का और साथ में इंटरेस्ट पे करने का छह परसेंट राइट पर मंथ नाउ द कोर्ट में बॉन्ड यहां पे कोर्ट जो है एब्सोल्युटली उस बॉन्ड को सेटिसाइड कर देगा ऑर्डरिंग बी और बी को बोलेगा कि जो भी तुमने एडवांटेज लिया है उससे जो भी बेनिफिट तुम्हें हुआ है वो उसको रीपे करो तो यहाँ पे बी को बोलेगा कि भाई उसके सौ रुपए तो लिखा हुआ है में yeah. Now, section section 20. अब दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है तो वो एग्रीमेंट्स आपके क्या होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स क्या होते हैं वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं अच्छा इससे पहले सेक्शन 20 को स्टार्ट करने से पहले एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ फाउंडेशन बैच जो है उसकी जो ए, एंट्री है वो कल से बंद होने वाली है तो 20 तारीख उसकी है लास्ट डेट ठीक है 20 तारीख उसकी है लास्ट डेट नाउ 20th इज द लास्ट डे टू एनरोल इन लाइव फाउंडेशन बैच और लाइव फाउंडेशन बैच में ट्रिमेंडियस रिस्पांस आ रहा है ठीक है आपको अगर एनरोल होना है तो अभी भी आपके पास एक दिन है जल्दी से जाके एनरोल करो स्लाइ फाउंडेशन बैच में ट्वेंटी सी पी सी और एस आर ए की क्लासेस आपकी चल रही हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है जो ये बैच आपका 12 जून से स्टार्ट हुआ था तो 12 जून ऑनवर्ड्स 20 तक की जो क्लासेस हैं आपको वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी कुछ भी आपका मिस नहीं होगा मेंटर अलग से मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको ठीक है नोट्स मिलेंगे लेक्चर नोट्स मिलेंगे और अगर आपको आपको लगता हो कि कैसे मिलेंगे कहा मिलेंगे तो मैंने सेशन भी लिया है यूट्यूब पे आप चेक कर सकते हो कि मैंने वहां पे आपको शो करके दिखाया है एक कोर्स की कहां पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी ठीक है आंसर राइटिंग सेशन हुआ था ठीक है वीकली आंसर राइटिंग सेशन होगा अभी लास्ट टाइम भी हुआ है उसका भी सैंपल वहां पर आप उस वीडियो में देख सकते हो राइट करंट अफेयर्स चाहे वो लीगल हो या जनरल तो ये सारी चीजें आपको लाइव फाउंडेशन बैच में मिल रही हैं और लाइव फाउंडेशन बैच का प्राइस क्या है ट्वेंटी फोर ट्रिपल नाइन और ये कब है जब आप यूज करोगे कोड श्री लाइव श्री लाइव कोड से ही आपको मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट तो सिर्फ और सिर्फ एक कोड दैट इज श्री लाइव यूज करो और सबसे ज्यादा डिस्काउंट पाओ कल इसकी जो लाइव फाउंडेशन बैच है उसके दरवाजे जो है बंद हो जाएंगे तो अगर आप जेनुअनली टारगेट कर रहे हो किसी एग्जामिनेशन को तो आप जो है यहाँ पे ये कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो फिर भी कोई डाउट हो तो यू कैन रीच मी ऑन टेलीग्राम द्रीमि श्रीवास्तव ठीक है श्रीमि श्रीवास्तव के नाम से टेलीग्राम है आप मुझे सर्च कर सकते हैं और अपना कोई भी डाउट हो तो इस नाम पे टेलीग्राम से या फिर इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होके मुझसे वहां पे पूछ सकते हैं कोई भी डाउट लेट्स कम बैक टू दिजनेस हाँ नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन ट्वेंटी दैट इज योर एग्रीमेंट वॉइड वेन दी पार्टीज आर अंडर दी मिस्टेक फैक्ट जब दोनों ही पार्टीज जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट में होंगी तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड होगा जैसे मान लो कि इसका एग्जाम्पल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट uh, एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम्पल है कि ए ने एग्री किया बी से कि वो जो है घोड़ा खरीदेगा ठीक है नाउ इट टर्नस आउट जब वो दोनों एग्रीमेंट कर रहे थे कि घोड़ा जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो घोड़ा उस टाइम पे मर गया ठीक है अब इसके बारे में दोनों ही पार्टी को पता नहीं है मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ठीक है तो उस पर्टिकुलर केस में वो एग्रीमेंट क्या होगा वॉइड होगा वो एग्रीमेंट क्या होगा वॉइड होगा सिंपल सिंपल एग्जांपल है इसका दैट ए एग्रीज़ टू बाय

मतलब वैलिड ठीक है अगर मिस्टेक आप एज टू दॉ कर रहे हो लॉ सबको बताना चाहिए लॉ ऑफ दैंड सबको आना चाहिए राइट अ कॉन्ट्रेक्ट इज नॉट वर्डेबल बिकॉज इट वॉज कॉज बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया बट मिस्टेक एज टू दॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज सेम इफेक्ट एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट अब लॉ जो फोर्स में नहीं है इंडिया में तो वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मानते हैं पे, अगर लॉ फोर्स में है इंडिया में और उस पर आप कोई इफेक्ट करते हो तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज It is of no excuse. Now this is important. ठीक है Now this is important. इसको एक chart से भी समझते हैं एक बार ठीक है अब चार से समझो इसको क्या कहता है यहां पे कि मिस्टेक एकदम से याद हो जाएगा ठीक है मिस्टेक यहां पे ऑफ फैक्ट कौन सा सेक्शन है सेक्शन ट्वेंटी और ट्वेंटी टू ठीक है ये है ऑफ लॉ ये है ऑफ लॉ दैट इज योर सेक्शन ट्वेंटी वन ठीक है क्लियर सिंपल सेक्शन क्लियर हो गया न जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है दैट इज वन बायलैटरल बायलैटरल मिस्टेक दैट इज मिस्टेक ऑफ बोथ दार्टीज मिस्टेक ऑफ बोथ दार्टीज बोथ दी पार्टीज ठीक है अब ये सेक्शन ट्वेंटी में मैंने क्या बताया अभी वॉइड होगा ये वॉइड होगा ठीक है अगर मान लो एक पार्टी फॉल्ट पे है मिस्टेक बाय वन पार्टी दैट इज यूनि दैट इज यूनि उस पर्टिकुलर केस में ये क्या होगा वैलिड दैट मींस नॉट वॉइडेबल दैट इज नॉट वॉयडेबल दैट इज अंडर सेक्शन ट्वेंटी टू ठीक है अब यहां पे कहता है कि लॉ के रिस्पेक्ट में इंडियन लॉ हुआ इंडियन लॉ हुआ तो वैलिड है वो वॉइड नहीं माना जाएगा फॉरेन लॉ हुआ अगर फॉरेन लॉ हुआ अगर तो उस पर्टिकुलर केस में क्या माना जाएगा बायलैटरल है ऐसा माना जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट बायलैटरल है तो वॉइड और यूनि है तो नॉट नॉट नॉटेबल आई होप इट इज क्लियर आई होप इट इज क्लियर ठीक है आई होप इट इज क्लियर चार्ट क्लियर हुआ आपको ये प्रियेम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना एक बार दोबारा रिपीट कर रही हूं मिस्टेक सेक्शन मिस्टेक ऑफ फैक्ट है अगर ठीक है जो सेक्शन ट्वेंटी और ट्वेंटी टू में दे रखा है बायलैटरल है दोनों पार्टी की मिस्टेक है तो वो क्या होगा उसको हम क्या कहेंगे नॉट अवॉइडेबल दैट मीन वैलिड वो कहां पे दे रखा है सेक्शन ट्वेंटी टू में दे रखा है नाउ मिस्टेक ऑफ लॉ के रिस्पेक्ट में इंडियन लॉ में है मिस्टेक किया है आपने लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं है वैलिड माना जाएगा वो ठीक है फॉरन लॉ के रिस्पेक्ट में ऐसा माना जाएगा जैसे मिस्टेक मिस्टेक ऑफ ऑफ फैक्ट फैक्ट तो में bilateral क्या था था दोनों पार्टी की मिस्टेक है तो फॉरिन लॉ के रिस्पेक्ट में वाइट माना जाएगा एक पार्टी की मिस्टेक है तो नॉट वाइडेबल माना जाएगा दैट मीन्स वैलिड दैट मीन्स वैलिड क्लियर दैट मीन्स वैलिड आई होप इट इज क्लियर नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट सेक्शन अब यहाँ सेक्शन आपके ट्वेंटी ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी टू तक कवर हो गया नॉट ट्वेंटी थ्री अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हमने सेक्शन टेन क्या देखा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए ठीक है कंसिडरेशन आपका लॉफुल होना चाहिए लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन अब यहाँ पे कहता है कि किसको आप कहोगे वॉट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल कौन से ऑब्जेक्ट को और कंसिडरेशन को आप लॉफुल मानोगे एंड वॉट नॉट अब यहाँ पे ट्वेंटी थ्री में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको कहता है दैट दी और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज इज लॉफुल अनलेस इट फॉरबिडन बाय लॉ अगर किसी लॉ में वो फॉरबिडन है मना कर रखा है ठीक है अगर किसी लॉ में वो अलाउड नहीं है मना नहीं मना कर रखा है ठीक है फॉरबिडन है किसी लॉ में तो, तो आप क्या मानोगी अनलॉफुल है वो क्या कहते हैं आपका कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल नहीं है मना नहीं, मना ठीक है, है या फिर उसका ऐसा नेचर कि अगर मान लो उसको कर दिया गया, तो वो जो है के उसको डिफीट कर देगा उसका को जो है कर देगा, या फिर फ्रॉडलेंट है ठीक है या फिर इन्वॉल्व करता है या इंप्लाई करता है इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर या किसी दूसरे वाले किसी दूसरे पर्सन को इंजरी पहुंचा रहा है या किसी प्रॉपर्टी को इंजरी पहुंचा रहा है ठीक है एंड आइदर रिगार्ड्स इट इमोरल या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या फिर वो इमोरल है या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है नाउ इन ईच ऑफ दीज केसेस इन सब में दी और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल तो यहाँ पे इन सब में जो कंसिडरेशन है ठीक है जो जो कंसिडरेशन है और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या मानेंगे अनलॉफुल मानेंगे क्या मानेंगे अनलॉफुल मानेंगे उसको हम unlawful मानेंगे क्लियर यहां पे कह दिया एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच दंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉट इज वॉइड ठीक है तो जिस भी एग्रीमेंट की कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है उसको हम क्या कहते हैं Void कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं वॉइड कहते हैं ना उसकी जो इलेस्ट्रेशन है वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब यहां पे देखो आप जो इलेस्ट्रेशन नंबर आई टेल यू कि कौन से कौन से हैं अब एच देख लो एक बार इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो उसके खिलाफ जो प्रोजिक्यूशन है वो नहीं करेगा ठीक है टू ड्रॉप अ प्रोजिक्यूशन विच ही हैज अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी ए ने बी को बी के खिलाफ प्रोजिक्यूशन किया था कि उसने चोरी करी है रॉबरी कराए ठीक है तो मैं तुम्हारे खिलाफ जो है प्रोसिक्यूशन जो मैंने केस किया है वो मैं विद्रॉ कर लूंगा B promises to restore the value of things taken. The agreement is void as the object is unlawful. तो यहाँ पे जो ये agreement आपस ने किया कि तुम तो मुझे पैसे दे दो मैं तुम्हारे खिलाफ जो case किया है वो वापस ले लूँगा ये drop कर दूँगा prosecution. तो ये जो agreement है that is void. Why? Because the object is unlawful. उसका basic जो purpose जो object है वो आपका unlawful है, right? Similarly एक और देख लो example इसमें A ने again exam के लिए important है F F वाला important है, ठीक है? एक है, A to for, for B an in क्या कह रहा है, है पब्लिक सर्विस में तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा तो मैं इंप्लॉयमेंट दिला दूंगा ठीक है और उसने कहा तुम दिला दोगे तो मैं तुम्हें एक हजार रुपए दूंगा तो यहाँ पर जो कंसिडरेशन है That is unlawful, right?

ज अलेशन इस तरीके से आपके और भी जो है। में के देख लो एग्रीज टू लेटर टू बी फॉरमेंट है क्योंड है बिकॉज इट इज इमोरल इट इज इमोरल और मैंने क्या कहा था कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट और इमोरल होगा अगर कोई भी ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन तो वो एग्रीमेंट आपका क्या होगा वॉइड माना जाएगा राइट right? तो यहाँ पे क्योंकि वो uh, आपका यहाँ पे उसको consideration को माना माना गया गया सॉरी इसको इसको जो है इसको माना गया कि वो एग्रीमेंट आपका है, है, वो agreement आपका ऑब्जेक्ट लॉफुल इन पार्ट अभी कहता है कि अगर कोई भी पार्ट किसी भी सिंगल कंसिडरेशन का फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट और एनी वन और एनी पार्ट ऑफ दिविलेशन फॉरमेंट इज वॉइड ही माना जाएगा ठीक है तो एग्रीमेंट वॉइड होगा अगर कंसिडरेशन या फिर ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है पार्ट में भी अगर उसका ऑब्जेक्ट या फिर जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है तो वह एग्रीमेंट आपका पूरा वॉइड ही माना जाएगा ए ने प्रमिस किया टू सुपरटेंड ऑन दिहा

25 के साथ इसको किसके साथ पढ़ते हैं हम सेक्शन 25 के साथ पढ़ते हैं इस पूरे कंसिडरेशन को नाउ कंसिडरेशन में यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है समझना देखो कंसिडरेशन इज फॉर ओनली प्रॉमिस प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन होता है ठीक है अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट में दिखाऊं कंसिडरेशन वाली चीज जो सबसे पहले वाले पे, पे पढ़ी थी प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रोमिस और प्रॉमिस के साथ जब कंसिडरेशन जुड़ जाता है तो किसके साथ जुड़ रहा है प्रॉमिस के साथ जब जुड़ जाता है तो वो एग्रीमेंट हो जाता है बता रखा है, है अभी हम इसकी, uh, को पढ़ेंगे पहले हम इसको समझते हैं उससे uh, एक चार्ट से ठीक है तो सबसे पहले कंसिडरेशन इज यू कैन राइट इट डाउन कंसिडरेशन इज अ प्रो क्यो दैट इज एडवांटेज और फेवर एडवांटेज और यू कैन से फेवर एडवांटेज और फेवर राइट ना यहां पर कहता है कि कंसिडरेशन जो हमने सेक्शन टू डी में पढ़ी जो हमने स्किप कर दी थी अब हम यहां पर कवर अप कर रहे हैं उसको यहां पर कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है मस्ट बी मस्ट हैव एट दिजायर ऑफ द प्रोमिसर of the promisor right now next kehta hai yahan pe may be given may be given by promisee or any other person or any other person अब consideration basically क्या है consideration आप कोई पैसा दे रहे हो किसी चीज के लिए मैंने घड़ी देने की बात कही आपने इसके बदले पैसे दिए थे तो जो आपके लिए कंसिडरेशन क्या है घड़ी है मेरे लिए क्या है पैसे तो दिस इज वॉट इज कंसिडरेशन ठीक है अब ये जो कंसिडरेशन है वो आपकी पास में भी हो सकती है कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर ये पास्ट भी हो सकती है प्रेजेंट भी हो सकती है और फ्यूचर भी हो सकती है और यहां पे इट मस्ट बी समथिंग रियल समथिंग रियल

एडुकेशन के बारे में नहीं बता रखा ठीक है एडुकेशन ऑफ कंपनसेशन डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कितने का क्या कंसिडरेशन आपने uh, मतलब सेलेक्ट करी है उससे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू इट मस्ट बी रियल नॉट इल्यूजनरी और यहां पे बोला है कि एडुकेशन इज नॉट अ थिंग टू बी मैटर्ड ठीक है उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है आपका राइट तो बेसिक कंसिड्रेशन की जो डेफिनेशन है वो कहता है कि, कि किसके डिजायर पे होती है प्रोमिसर के डिजायर पे होती है और किसके द्वारा दी जाती है प्रोमिस या फिर किसी दूसरे पर्सन द्वारा ठीक अब एग्जाम्पल में देखो यहां पे ए है और बी है ठीक है अब ए ने बी को घर देने को कहा अब ये जो बी के लिए कंसिडरेशन क्या है घर और ए के लिए कंसिडरेशन क्या है टेन लाख रुपीज ए के लिए कंसिडरेशन क्या है टेन लाख रुपीज किसके डिजायर पे हो रही है प्रोमिसर के डिजायर पे हो रही है

अगर आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन है नेचुरल लव एंड अफेक्शन में है तो उस पर्टिकुलर केस में इस चीज को ठीक है अगर ऑन द अकाउंट ऑफ नेचुरल लव और अफेक्शन है तो पहली बात तो ये चीज आपकी राइटिंग में होनी चाहिए राइटिंग में होनी चाहिए रजिस्टर्ड होनी चाहिए ध्यान रखना ये सारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड होनी चाहिए और नियरली जो रिलेशन में होते हैं ना जो पार्टीज नियरली रिलेटेड होती हैं वो आपके आते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में दैट इज आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो इसमें कंसिडरेशन नहीं भी है तो वो एक्सेप्शन है वैलिड है वो वैलिड है ठीक है क्योंकि ये exceptions है इसके, इसके ये छह एक्सेप्शन है क्लियर दूसरा क्या कहता है दूसरा कहता है पास्ट वॉल्टरली वॉलंट्री सर्विसेज इसका मतलब कह रहा है कि मान लो कि आ, मैं जा रही थी ठीक है मैं रोड पे जा रही थी मेरा एक्सीडेंट हो गया अब मुझे चोट लग गई मुझे किसी ने उठा के हॉस्पिटल ले गया कोई मुझे तो मैंने उसको बोला कि नहीं आई विल पे यू जो आपने मुझे जो मेरी को आपने मुझे जान बचाई है मेरी हेल्प करी है जो मुझे इंजरी में मेरी पट्टी वट्टी करवाई दवाई ववाई दिलाई तो उसके लिए आई विल पे यू और दिस इज समथिंग पास वॉल्टरी सर्विसेज राइट टू कंपनसेट दैट पर्सन हु हैज हुयरली समथिंग फॉर यू ठीक है अगर किसी ने वॉल्टरली आपके लिए कुछ किया है तो वहां पे आप उस पर्सन को कंपनसेट कर रहे हो दैट विल कम अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव क्लॉज टू क्लॉज टू और एक्सेप्शन है इसका क्या कहता है कि पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज ठीक है कि मतलब आप जो है कंपनसेट करे हो किसी पर्सन को जिसने कुछ आपके लिए वॉलंटरली किया है ठीक है नाउ थर्ड है आपका एक्सेप्शन इसका दैट इज टाइम बार दैट इज टाइम बार डेप्थ डेट ठीक है अब प्रोमिस टू पे टाइम बार ये आपका राइटिंग में होना चाहिए और ये आपका साइन होना चाहिए ये आपका राइटिंग में होना चाहिए और ये आपका साइन भी होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट एक्सेप्शन है आपका वो आपका में दे रखा one, है एक्सप्लेनेशन नंबर वन दैट इज गिफ्ट ठीक है गिफ्ट अगेन एक्सेप्शन में आता है और फिफ्थ है आपका यहाँ पे सेक्शन 185 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का दैट इज एजेंसी में कोई भी कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ये प्रम्स में कई बार पूछा गया है एम पीसी में पूछा गया है और वैसे भी बहुत सारे स्टेट में पूछा गया है ठीक है ये कंसिडरेशन जो है एजेंसी में रिक्वायर्ड नहीं होती है तो ये आप इसका फिफ्थ एक्सेप्शन है और सिक्स एक्सेप्शन यहाँ पे ये यह है एक्शनेबल क्लेम्स दैट इज सेक्शन वन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक्शनेबल क्लेम

सेक्शन ट्वेंटी फाइव आपका यही दे रखा है क्लॉज वाइज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है एक्सप्लेनेशन नंबर वन गिफ्ट के बारे में बात करता है टू जो है वो एडवोकेसी की बात कर रहा है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना अमाउंट है कंसिड्रेशन का इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्लियर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं देख लो आप इलिस्ट्रेशन uh, जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए दैट इज इलिस्ट्रेशन नंबर ए ए प्रोमिसज फॉर नो कंसिड्रेशन टू गिव बी थाउजेंड रुपीज एग्रीमेंट वॉइड है क्यों क्योंकि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड यह हमने पढ़ लिया है, अब ए जो है। for natural love and affection, करता है, है है। ठीक ठीक अब जो करता अपने बेटे को कि वो हजार रुपए देगा, राइटिंग में करना जरूरी है उसको रजिस्टर करना भी जरूरी है नाउ दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ये आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है इवन दो कोई कंसिडरेशन नहीं है ठीक है इवन एग्रीमेंट जो है बिना कंसिडरेशन के अब ए ने जो है बी का पर्स फाइंड किया और उसको दे दिया अब बी ने कहा कि मैं तुम्हें तो पचास रुपए दूंगा देख सकते हैं अब एक इलेट्रेशन देख लो इन एक्सप्लेनेशन टू का देख लो एग्रीज टू सेल हॉर्स वर्थ ऑफ टेन थाउजेंड रुपीज फॉर दस रुपए दस हजार रुपए रुपए का घोड़ा था दस हजार रुपए में दे रहा है ए कंसेंट टू दी एग्रीमेंट इज फ्रीली फ्रीली गिवन और कंसेंट यहाँ पे फ्री कंसेंट है कोई नहीं है कोई भी आपका मिस्टेक uh, नहीं है कोई भी फ्रॉड नहीं है फ्रीली गिवन कंसेंट है इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर यह दस रुपए में क्यों दे रहा है वैलिड कंसेंट है अगर अगर कंसेंट वैलिड है फ्री कंसेंट है तो वो वैलि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा ठीक है उसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक हजार रुपए को घोड़ा दस, दस रुपए में दे दिया ठीक है क्योंकि एडवोकेसी कंसिडरेशन एडुकेट है एन एडुकेटेड से फर्क नहीं पड़ता नाउ अब यहां पे अगर मान लो उसने अपना घोड़ा जो हजार रुपए का था वो दस हजार दस रुपए में दे दिया ही डिनाइज दैट हिज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वॉज फ्रीली गिवन

सेट टू टू दैट एक्सटेंड दैट इज वॉइड तो वो आपका वॉइड माना जाएगा तो so, अगर आप रिस्ट्रेन कर रहे हो किसी को ट्रेड करने पे तो वो आपका वॉइड माना जाएगा ना उसका एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ गुडविल इज सोल्ड अब इसका एक एग्जाम्पल समझो कि अगर मान लो किसी भी बिजनेस की गुडविल को बेचा गया है ठीक है किसी की गुडविल को बेचा गया है तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि भाई अगर हम अपने बिजनेस को बेच रहे हैं तो आप इतने दायरे के अंदर सेम काम नहीं कर सकते ठीक है सेम नेचर का काम नहीं कर सकते तो वो एक्सेप्शन आपका वैलिड एक्सेप्शन है तो फिर उसमें आप वॉइड नहीं कहोगे कि भाई इतने किलोमीटर के दायरे में तुम सेम काम नहीं कर सकते सेम नेचर का काम नहीं कर सकते या सेम ट्रेड नहीं कर सकते तो उस पर्टिकुलर केस में नेम यूज नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर केस में वो एक्सेप्शन आपका वैलिड है नो ट्वेंटी एट सेक्शन दैट इज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग इज वॉइड अगर आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो लीगल प्रोसीडिंग में तो वो आपका वॉइड माना जाता है तो वो आपका वॉइड माना जाता है इसका एक्सेप्शन है आपका आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन एक्सेप्शन है और कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चन पहले से ही अराइज हो चुके हैं उसके रिस्पेक्ट में ये दो एक्सेप्शन है इसके अब यहाँ पे सेक्शन नंबर इन सबके इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहाँ पे रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज ट्रेड लीगल प्रोसीडिंग और आपका दिस uh, वेजर ये सारे ही आपके एग्रीमेंट्स आपके वॉइड मतलब कि आप बैटिंग कर रहे हो ठीक है बैटिंग करो दैट इज वाइड अब यहाँ पे कहता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग ऑफ एनीथिंग एलर्स टू बी वॉन ऑन एनी वेजर अगर आपने एक होता ना कि ये गेम है लॉस सट्टा uh, हम कहते हैं बेटिंग हम कहते हैं राइट right? तो वो एग्रीमेंट आपके वॉइड माने जाते हैं और इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन टू अबाइड द रिजल्ट ऑफ द गेम और अदर अनसर्टेन इवेंट जहां पे सर्टेन नहीं होता जीतेगा कौन ठीक है दैट इज व्हाट इज वेजिंग एग्रीमेंट्स ठीक है अदर अनसर्टेन इवेंट ऑन व्हिच द वेजर इज मेड तो ये एग्रीमेंट्स आपके वॉइड होते हैं ठीक है एक्सेप्शन इज यहां पे सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है दैट इज द सर्टेन प्राइजेस फॉर हाउस रेसिंग

नॉट टू डू समल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डॉस नॉट है कि अगर ऐसा होगा तो यह माना जाएगा ऐसा नहीं होगा तो यह नहीं माना जाएगा या फिर ऐसा नहीं होगा तो यह माना जाएगा वरना फिर नहीं माना जाएगा राइट तो यहां पर ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी थाउजेंड रुपीज इफ बीज हाउस इज बर्न की जब तुम्हारा घर जलेगा तब मैं तुमको हजार रुपए दूंगा ठीक है ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि मैं तुम्हें ग, एक हजार दस हजार रुपए दूंगा अगर तुम्हारा घर जलेगा दिस इज समथिंग कॉन्टिजेंट जो डिपेंड करता है किसी चीज की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे तो यहाँ पे हैपनिंग क्या है कि जब उसका घर जलेगा तभी यहां उसको दस हजार रुपए ए देगा ठीक है दैट इज वॉट इज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉट थर्टी टू में बताया है इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिजेंट

ठीक है तो जब वो होगा होगा तभी वो enforceable होगा। अगर वो वो अगर नहीं हुआ तो वो क्या माना जाएगा आपका वॉइड माना जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या माने जाएंगे वॉइड माने जाएंगे क्लियर नॉ थर्टी थ्री की बात करते हैं यहाँ पे अगेन ये कहता है कि हमने थर्टी टू में क्या देखा कि इवेंट हैपन होने पे वो माना जाएगा अब थर्टी थ्री में कह रहा है कि इवेंट अगर नहीं होगा

ठीक है अब कोई पैरलर है अब अब मैं आपसे कहूंगी जो रेलवे ट्रैक है वो सीधे पैरलर जा रहा है वो मर्ज हो जाए ठीक है तो दैट इज नॉट गोना हैपन तो वो एग्रीमेंट क्या है वॉइड है सिमिलरली ए ने एग्री किया बी को कि वो एक हजार रुपए देगा इफ बी मैरिज एज डॉटर सी नाउ सी तो उस टाइम पे मर गई है

ठीक है दोनों पार्टी को अपने रिस्पेटिव प्रोमिस को परफॉर्म करना होता है अनलेस एस परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद और विदक्यूज अंडर दी प्रोविजन अंडर एनी एक्ट और अदर लॉ अगर मान लो किसी लॉ द्वारा ही उनको एक्सक्यूज कर रखा है, को है, को है तो कोई बात नहीं अदरवाइज दोनों ही पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी होती है नॉ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द दिसर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर अगर मान लो प्रॉमिसर मर गया है तो फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव उसको फुलफिल करते हैं अब यहाँ पे एक एक चीज है यहाँ पे जो रिस्ट्रेशन है वो आपको बहुत क्लियर कर देगा कहता है कि ए ने प्रोमिस किया कि वो डिलीवर करेगा गुड्स बी को एक सर्टन डेट पे ऑन पेमेंट ऑफ एट वन थाउजेंड ठीक है अब यहाँ पे ए मर गया देने से पहले ए मर गया तो यहाँ पे ए की रिप्रेजेंटेटिव लाइबिलिटी हो जाएगी कि वो डिलीवर करे गुड्स को ठीक है एक, response, एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी लाइबिलिटी हो जाएगी ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो जो है पेंट करेगा पिक्चर बी की अब ये पर्सनल परफॉर्मेंस है उसकी वहां पे ठीक है अब ए पेंटर है कोई जरूरी नहीं है लीगल रिप्रेजेंटेटिव पेंटिंग जानता हो राइट तो यहाँ पे उसकी पर्सनल ऑब्लिगेशन थी तो वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट बाउंड नहीं होता

एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस अब यहाँ पे क्या कहता है दैट व्हेन वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर जहां पर कोई प्रोमिसर ने कोई ऑफर बनाया है किसी परफॉर्मेंस का टू दी प्रोमिस ठीक है एंड दी ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ है द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस तो जो प्रोमिसर है फिर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा नॉन परफॉर्मेंस का नॉट डज दे बाय हिज़ राइट अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट ठीक है और ना ही उसके कोई रा, राइट खत्म होंगे उसका कोई इंटरेस्ट खत्म होगा या फिर कोई राइट खत्म होगा उस कॉन्ट्रैक्ट में राइट right? न उस पर्टिकुलर केस में जो ऑफर है वो फुलफिल करे ये सारी कंडीशन क्या कंडीशन है पहला वो अनकंडीशनल होना चाहिए दूसरा प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पर होना चाहिए ऐसे सर्कमस्टांसिस में दैट दर्सन होम इट इज मेड मे हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ अटिंग दैट दर्सन बाय होम इट इज मेड एबल एंड विलिंग देर एंड देन टू डू होल ऑफ दैट बाई दॉन्ड ऑफ इज प्रॉमिस टू डू

मैनेजर के ऊपर थिएटर का जो मैनेजर है उसके पास ये ऑप्शन है कि वो खत्म भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को राइट नो पर्सन बाय होम दी बी परफॉर्म अब यहाँ पे कहता है कि इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस अगर जैसा भी केस है इट वाज़ द इंटेंशन ऑफ पार्टीज

ए मस् परफॉर्म इट पर्सनली क्योंकि यहाँ पे कोई और परफॉर्म नहीं कर सकता उसकी पर्सनल ऑब्लीगेशन है यहाँ पे ठीक है अब यहाँ पे देखो ए प्रोमिस टू पे पे बी सम मनी ए ने प्रमिस किया कि वो बी को कुछ पैसे देगा ए प्रॉमिस परफॉर्म दिस प्रोमिस आई दर बाय पर्सनली खुद से परफॉर्म कर सकता है खुद से पैसे दे सकता है या फिर किसी और को बोल सकता है कि वो उसको पैसे देते दे. नौ अगर ए मर जाता है बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर देमेंट यहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ेगा प्रॉमिस ठीक है उसके रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्म करना पड़ेगा Now, अगर आपने थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर लिया है तो फिर आप प्रॉमिसी को कुछ नहीं कर सकते, के कुछ नहीं कर सकते अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से एक्सेप्ट कर लिया है तो उस पर्टिकुलर केस में आप प्रॉमिसर को कुछ नहीं कर सकते वेनिस प्रोमिसी एक्से परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस फ्राम थर्ड पर्सन उसने प्रॉमिस एक्सेप्ट कर लिया किसी थर्ड पर्सन से तो फिर उसके बाद वो इन्फोर्स नहीं करा सकती अगेंस्ट दी प्रोमिस क्लियर नाउ ज्वाइंट लाइबिलिटीज अब यहां पे 42 में क्या कहता है दैट डिवोल्यूशन ऑफ ज्वाइंट लाइबिलिटीज व्हेन टू और मोर पर्सन हैव ज्वाइंट प्रॉमिस अगर किसी ने दो या दो से ज्यादा लोगों ने ज्वाइंट प्रॉमिस किया है उस पर्टिकुलर केस में जब तो कोई कॉन्ट्री इंटेंशन ना हो पार्टीज की जब तो कोई और इंटेंशन ना हो कॉन्ट्रैक्ट में ऑल सच पर्सन सारे वो पर्सन ड्यूरिंग दियर ज्वाइंट लाइफ

इन दी एबसेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है राइटिंग में ठीक है कंपेल कर सकता है किसी भी को किसी को भी एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म दी होल ऑफ दी प्रॉमिस किसी को भी कंपेल कर सकता है कि तुम तो परफॉर्म करो पूरा प्रोमिस और जो प्रोमिसर है

कोई और बात आपने लिख रखी है कॉन्ट्रैक्ट में या कोई और इंटेंशन है तो उसकी बात उसकी कोई बात नहीं है ठीक है नाउ शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन द कॉन्ट्रीब्यूशन अब यहां पे कह रहा है कि जो लॉस uh, है वो भी आपका शेयर होगा नफ वन ऑफ एनी वन ऑफ द टू और जॉइंट प्रोमिस मेक डिफॉल्ट इन द कॉन्ट्रीब्यूशन द रिमेनिंग ज्वाइंट प्रोमिस मस्ट बेयर द लॉस अराइजिंग टू सच डिफॉल्ट इक्वल शेयर ठीक है अब यहां पे ये यह कहता है कि uh, जो लॉस है ना जो डिफॉल्ट है ठीक है कॉन्ट्रीब्यूशन में वो भी आपका शेयर होगा जो भी लॉसेस होंगे वो भी आपके इक्वल शेयर होंगे नाउ इसमें अगेन एग्जाम्पल देख लो ए बी सी ज्वाइंट प्रॉमिस किया था उन्होंने कि वो पे करेंगे रुपए डी को वो पे करेंगे तीन हजार रुपए डी को नाउ डी कैन कंपेल आइदर ए आइदर बी और आइदर सी टू पे हिम थ्री थाउजेंड रुपीज टू पे हिम थ्री थाउजेंड रुपीज राइट नाउ ए और बी ज्वाइंटली पे डी टू दी समी थाउजेंड रुपीज Uh, अब यहां पे अगेन सिंपली वो कह रहा है कि आप दूसरे पर्सन को कंपेयर कर सकते हो कि तुम जो है उसको uh, पे करो इक्वली कंट्रीब्यूट करो राइट सिंपली यहां पे ए और बी ज्वाइंट प्रॉमिस किया कि वो पे करें सम तीन हजार रुपए यहां पे सी को कंपेयर कर सकते हैं पे करने के लिए पूरा ए अगर इंसॉल्वेंट है बट हिज एसेट्स आर सफिशियंट टू पे

स बाई दी प्रॉमिस इज नॉट डिस्चार्ज दी अदर एक को रिलीज कर दिया ऐसा नहीं माना जाएगा कि सबको रिलीज कर दिया राइट नाउ नेक्स्ट इज टाइम एंड परफॉर्मेंस अब यहां पर कह रहे हैं फोर्टी सिक्स में अगेन इंपॉर्टेंटेंट है यहाँ पे कह रहा है कि टाइम एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वेयर नो एप्लीकेशन इज मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड जहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं, जहाँ को नहीं है जहां पे कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं रखा है वहाँ वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट अमिस परफॉर्म इज प्रॉमस विदाउट एन एप्लीकेशन बाई प्रोमिसी एंड नो टाइम ऑफ परफॉर्मेंसिफाइड को टाइम स्पेसिफाई नहीं रखाफॉर्मेंस का तो यहाँ पे दी एंगेजमेंट भी परफॉर्म विदिन रीजनेबल टाइम तो रीजनेबल टाइम में वो परफॉर्म किया जाएगा वो आपका अब रीजनेबल टाइम क्या है वो डिपेंड करेगा एंड दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ठीक है वो डिपेंड करेगा हर फैक्ट इंड सर्कमस्टांस पे केस की और वो एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है आपका ठीक है नाउ अगर मान लो टाइम स्पेसिफाई कर रखा है और एप्लीकेशन नहीं दे रखी है तो इस पर्टिकुलर केस में प्रॉमिस है टू बी परफॉर्मड ऑन अ सर्टेन डेट

गुड टू बीज वेर हाउस बट आफ्टर दूजल आर्स फॉर क्लोजिंग इट एंड आर नॉट रिसीव ठीक है ना ए हैज नॉट परफॉर्मिश परफॉर्मेंस अब तुमसे कहा गया था कि भाई बिजनेस वर्किंग आर्स में वर्किंग आवर्स बिजनेस डे के वर्किंग आवर्स में आपको देना है अब आप उस टाइम पर देनी रहे हो आप रात में डिलीवर करने जा रहे हो दैट इज नॉट दैट मींस की आपने अपना परफॉर्मेंस जो है अपने प्रॉमिस जो है परफॉर्म नहीं किया है ठीक है नाउ एप्लीकेशन फॉर प्रॉमिस ऑन सर्टन डेट टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस नाउ अ टू बी परफॉर्म वेनिसम सर्टन डे एंडर टेकिटॉर्म टू परफॉर्म इट विदाउट द द एप्लीकेशन इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस एट अ प्रॉपर प्लेस विद इन अ यूजल आर ऑफ बिजनेस अब यहां पे कहता है कि अगेन एप्लीकेशन है परफॉर्मेंस के लिए सर्टन डेट पे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस तो जहां पे भी प्रॉमिस

A and B contract that A shall deliver goods to B to be paid by B on delivery. Okay. Now A need not to deliver the goods unless B is ready and willing to pay for the uh, goods. Okay. Delivery pay. जब तक वो नहीं डिलीवर करेगा जब तक वो पैसे देने के लिए विलिंगनेस uh, नहीं होगी इसकी तब तक यहाँ पे ए भी गुड्स डिलीवर नहीं करेगा मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं जो है आपको ये पेन दूंगी ठीक है और आप इसके बदले मुझे सौ रुपए दोगे तो यहाँ पे मैं तब तक परफॉर्म नहीं करूंगी अपना जब तक आप मुझे पैसे देने के लिए विलिंगनेस शो नहीं करोगे राइट तो यहाँ पे बेसिकली ये बात कही गई है दैट इज वॉट इज रेसिपोकल प्रोमिस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिपोकल प्रोमिस राइट नाउ ए एंड बी कॉन्टेक्टेड दैट ए शेल डिलीवर गुड्स टू बी एट प्राइस टू बी पेड बाई इंस्टॉलमेंट पहला इंस्टॉलमेंट वी पेड ऑन डिलीवरी पहला इंस्टॉलमेंट डिलीवरी पे देना होगा आपको ए नीड नॉट डिलीवर जब तक बी जो है अपना विलिंगनेस शो ना करे कि वह पहला इंस्टॉलमेंट देने को तैयार है राइट नाउर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिपोकल प्रोमिस होगा उसका यह इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए कहता है फिक्स है तो वो उसके हिसाब से ही होगा ठीक है रेसिपोकल प्रॉमिजी परफॉर्म इन दैट ऑर्डर ओनली एंड वेयर दर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स अगर ऑर्डर एक्सप्रेसली फिक्स नहीं कर

नाउ ए प्रोमिस टू बिल्ड दाउस बट टू मस्ट बी परफॉर्म बिफोर बीज प्रोमिस फॉर पेंग इट समथिंगल हो रहा है ठीक है मैं आपको दे रही हूँ और आप भी अपनी रेडिंगनेस और विलिंगनेस शो कर रहे हो कि आप उन्हें पैसे दोगे ठीक है आप उनके बदले पैसे दोगे राइट तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है रेसिपोकल प्रॉमिस के रिस्पेक्ट में नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट एज सेक्शन फिफ्टी सिक्स डॉक्टर ऑफ फर्स्टेशन अब यहाँ पे कह रहा है कि एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पोसिबल एक्ट

ठीक है उसकी बात कर रहा है यहाँ पे दैट बिकम्स इम्पॉसिबल और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट किसी की वजह से समी प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट प्रोमिसर के हाथ में कुछ भी नहीं था वो रो, उसने अपनी पूरी आ, कोशिश करी बट फिर भी उसके उसके कंट्रोल के बियॉन्ड था वो राइट अनलॉफुल बिकम वॉइड वेन द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल ठीक है तो यहाँ पे फिर वो भी आपका इम्पॉसिबल हो गया फ्रस्ट्रेट हो गया वो उस तो पर्टिकुलर केस में वो अनलॉफुल

वेरी नाइस आस्क यू नाउ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज एन बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरीज इच अदर कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर नाउ बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द मैरिज ए गोज मैडम वो पहले ही हो गए शादी फिक्स होने से पहले नो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइड उस कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका Void हो जाएगा ठीक है अब रेसिपोगल प्रॉमिस टू डू इलीगल टू डू थिंग्स लीगल और इलीगल दोनों तो यहाँ पे जब कोई पर्सन जो है प्रॉमिस करता है फर्स्ट डू फर्स्टन थिंग्स जो लीगल है और दूसरा कि कुछ स्पेसिफाइड सर्कमस्ट में टू डू अदर थिंग्स इलीगल तो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस इज कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा जो है वो वाइड एग्रीमेंट माना जाएगा तो इलीगल वाला काम जो है वाइड एग्रीमेंट माना जाएगा क्योंकि अगेन uh, इलीगल है और वो जो फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉमिस जो है जो उसमें लीगल काम कर रहे हो उसका आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा ठीक uh, तो है नाउ अल्टरनेटिव फॉर्मेस इसकी वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल और दूसरी इलीगल है तो लीगल वाली ब्रांच जो है सिर्फ eagle, uh, सिर्फ अलोन इन्फोर्स कराई जाएगी नाउ दिस इज क्लेटन रूल सेक्शन फिफ्टी नाइन दट इज क्लेटन रूल

Makes and to him. उसको कर रहा है पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू डिस्चार्ज समर्टिकुलर डेट मान लो एक्स पर्सन से ए डे इतने सारे डेट ले रखे सारे कर्जे ले रखे वाई ने ठीक है अब यहाँ पे एक्सप्रेसली बता रखा है कि भाई इस दो, इन दो के पैसे में अभी दे रहा हूँ ठीक है पर्टिकुलर डेट को डिस्चार्ज करना है द पेमेंट इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली तो फिर यही दोनों डिस्चार्ज होंगे बाकी सारे डेट रिमेनिंग रहेंगे बता रखा है व्हेन इट इज इंडिकेटेड कि किस तरीके से डिस्चार्ज होना है डेट राइट नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 60 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट वेयर दू भी डिस्चार्ज नॉट इंडिकेटेड जहां पर इंडिकेट नहीं कर रखा है कि किस तरीके से होगा तो वहां पे क्रेडिटर्स देखेंगे ठीक है वेयर द डेटर हैज टू बताना भूल गया ना ही इसने एक्सप्रेस किया ना ही कोई से पता चल रहा है कि डेट जो है पेमेंट टू बी डन इस अप्लाई किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा क्रेडिटर में अप्लाई एट एस करेगा डिस्क्रिप्शन जो है अपनी डिस्क्रिप्शन पे करेगा टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू एंड पेबल टू हिम फ्रॉम दी डेटर ठीक है वेदर इट्स रिकवरी इज और नॉट बार्ड बाय द इन फोर्स अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लिमिटेशन एक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता राइट अब यहाँ पे कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ द पेमेंट नाइदर पार्टी अप्रोप्रिएट जहाँ पे दोनों पार्टी एप्रोप्रिएट नहीं करती है उस पर्टिकुलर केस में कैसे होगा उस पर्टिकुलर केस में इन ऑर्डर ऑफ टाइम होगा ठीक है इन ऑर्डर ऑफ टाइम दिया था तो पहले वाला रिकवर किया जाएगा फिर दूसरा वाला तो टाइम के हिसाब से जिस order में आ, लिया गया उस order से डिस्चार्ज किया जाएगा 61 में राइट? Now, 62 कहता है आपका इफेक्ट ऑफ नोवेशन रिसेशन और अल्ट्रेशन ऑफ नया कॉन्ट्रैक्ट सब्सिट्यूट कर दिया है तो उस पर्टिकुलर केस में आप पहले वाला ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है और यही बात आपकी से कही गई, गई है इफेक्ट

Now, ए ए जो है उसकी कोई भी परफॉर्मेंस वो बाउंड नहीं है परफॉर्म करने के लिए प्रॉमिस अब यहां पर छोड़ रहा है नॉ कंपनसेशन ऑफ रिशे वेबल कॉन्ट्रैक्ट यहां पर कहता है कि जब भी कोई पर्सन ठीक है लेता है दर पार्टी देयर टू नीड नॉट टू परफॉर्म एनी प्रॉमस दूसरी पार्टी परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है ठीक है द पार्टी रिसाइनिंग वॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट पार्टी जिसने रिसाइन किया है वॉर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट को इफ ही हैज रिसीव्ड एनी बेनिफिट अगर उसको बेनिफिट रिसीव किया तो उसको बेनिफिट वापस में रिटर्न करना होता है ठीक है जो जो पार्टी इन है उसको रिटर्न करना होता है नाउ 65 ऑब्लिगेशन ऑफ अ पर्सन हु नो सिक्स ऑब्बली एडवांटेजर वाइड एग्रीमेंट अगर वाइड एग्रीमेंट के अंदर कोई एडवांटेज पार्टी ने रिसीव कर लिया तो वो एडवांटेज भी उसको रिटर्न करना होता है राइट नाउ वेयर एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड अगर एग्रीमेंट वॉइड पता चलता है कि एग्रीमेंट वॉइड है ठीक है और द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड या फिर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है एनी पर्सन हु हैज रिसव एन एडवांटेज किसी ने अगर कोई एडवांटेज रिसीव किया है तो वो उसको वापस करना होता है वो उसको रिस्टोर करना होता है वो बाउंड होता है कि उसको रिस्टोर करे वापस राइट right? और कंपनसेशन दे इसका इलस्ट्रेशन नॉर्मली आप देख लेना एक बार

नाउ इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस। अगर प्रोमिसी के पार्ट पे गलती है वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है प्रोमिसर को परफॉर्म करने के लिए तो पर्टिकुलर के

ऑफ अ पर्सन इन जॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन कैडेट इसका एग्जाम्पल देख लो ए आ ट्रेडमैन लिवस गुड्स एट बीज हाउस बाई मिस्टेक गलती से उसके घर में छोड़ दिया बी ट्रीट्स द गुड्स एज ए सोन उसने उस को अपना माना गुड्स को अपना माना ना ही इज बाउंड टू पे ए अब उसने गलती से छोड़ दिया था उसने अपने गुड्स समझ के उसको यूज इस्तेमाल कर लिया उसका तो यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पे करे ए को ठीक है अब मान लो ए ने घर की प्रॉपर्टी को आग से बचाया ठीक है ए इज़ नॉट एंटाइटल टू द कम्पनसेशन फ्रॉम बी इफ द सर्कमस्टांसिस शोज दैट द एक्ट इज ग्रेटिट्यूस अगर एक्ट उसका ग्रेटिट्यूसली उसने एक्ट किया है तो उस पर्टिकुलर केस में वो कंपनसेशन नहीं ले सकता अगर नॉन ग्रेटिट्यूस तरीके से किया है तो फिर वो कंपनसेशन ले सकता है ठीक है फाइंडर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी न यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड सेम होती है बेली की तरह सेम होती है बेली की तरह राइट नो सेवेंटी टू लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू होम मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्जन अगर किसी भी पर्सन को मनी पे किया है अंडर कोवर्जन या फिर अंडर मिस्टेक बाय मिस्टेक तो उस पर्टिकुलर केस में वो रीपे करेगा या रिटर्न करेगा ठीक है अगर मिस्टेक में या कोर्जन में दे दिया है तो वो रिटर्न करेगा और रीपे करेगा ए एंड बी जॉइंटली ओ हंड्रेड रुपीज टू सी ठीक है अब यहाँ पे ए अलोन पेज द अमाउंट टू सी अलोन ए ने भेज दिया सौ रुपए एंड बी नॉट नोइंग दिस फैक्ट पेज दोबारा उसने बी को नहीं पता कि ए ने पैसे दे दिए बी तो दोबारा दे, दे देता है पैसे उसको को, ठीक है तो यहाँ पे ए बाउंड है कि वो पे करे रीपे करे बी को सौ रुपए जो उसने दोबारा उसको दोबारा मिल गए ठीक है नाउ दिसप्टर सिक्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कहता है कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस डेमेजेज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ठीक है अब वो कॉन्ट्रैक्ट किसी पार्टी ने ब्रीच कर दिया ब्रोक कर दिया द पार्टी हु हुफर्स एच ब्रीच जिस भी पार्टी को नुकसान होता है वो इंटाइटल है कंपनसेशन लेने के लिए ठीक है उस पार्टी से जिसने जो जो उसने जिसने परफॉर्म नहीं किया जिसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का उस पार्टी से वो पार्टी दूसरी पार्टी कंपनसेशन लेने के लिए इंटाइटल और यहाँ पे कंपनसेशन की कुछ बात करी गई है इलस्ट्रेशन इसके इंपॉर्टेंट है यू कैन रीड इट आउट एंड कंपनसेशन जहाँ पे पेनल्टी स्टिपुलेट है जहाँ पे स्ट्रिपुलेटेड मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड है पेनल्टी ऑलरेडी बता रखी है उसके बारे में यहाँ पे सेवेंटी में दे रखा है एंड

लास्ट डेट है कल एडमिशन लेने की तो अगर आपको लाइफ फाउंडेशन बैच में पार्ट आ, पार्ट होना है एनरोल करना है उस बैच में तो आप एनरोल हो सकते हैं यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइफ श्री लाइफ से मिलता है सबसे ज्यादा डिस्काउंट और आप ये कोर्स खरीद सकते हैं सिर्फ चौबीस रुपए में कोर्स के अमेजिंग फीचर्स हैं आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं हम यहां पे आपको हैंड रिटेन नोट्स लेक्चर नोट्स डेली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस साथ में एक मिनटर भी प्रोवाइड करते हैं कल उसकी लास्ट डेट है इनरोल करने की तो अगर आपको एनरोल करना है तो यूज करें प्रोमो कोड श्री लाइफ फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर टिल एंड वी बी डिस्कसिंग द रेस्ट ऑफ द प्रोविजन इन द नेक्स्ट क्लास सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड थैंक यू सो मच सी यू टुमारो टिल देन टेक केयर बाय